कहीं पर कुछ थोड़ी बहुत अस्पष्टता रह गई हो तो पूछ लीजिए। बीजांकुर न्याय वाला मामला समझ आ गया था? जो अनादि की अनादि अनादित्व की बात की थी ना अध्यास के लिए, कि जब जो प्रतीत होता है उसी का आरोप होगा, जब आरोप होगा तो प्रतीति होगी। तो प्रतीति और आरोप में जो परस्पर आश्रयता थी उसके लिए इन्होंने बीजांकुर न्याय को इन्वोक करके परस्पर आश्रित दोष को हटा दिया। ये प्रॉब्लम आई थी समझना? सर बिल्कुल सरल है वो, समझ में आ गया था। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा अब शंका कर रहे हैं, स्यादेतद अद्धा पूर्व प्रतीति मात्रम उपयुज्यते आरोपे न तो प्रतीयमानस्य परमार्थ श्रद्धा। कि भाई जब ये अध्यारोप होता है, अध्यास होता है, तो जिसका आरोप किया जाता है उसकी प्रतीति मात्र ही अपेक्षित है। यह आवश्यक नहीं कि जो प्रतीत हुआ है वो परमार्थ रूप से सत भी हो। पूर्व प्रतीति मात्रम उपयुज्यते आरोपे, पूर्व जो प्रतीत हो रहा है उसकी प्रतीति मात्र ही की आवश्यकता है। प्रतीयमानस्य परमार्थ सत्ता आवश्यक नहीं है। अब वो कहते हैं कि ये तो ठीक है कि भाई, लेकिन वो जो देहेंद्रिय इत्यादि हैं वो तो अत्यंत असत हैं, गगन पुष्प के समान, उनकी तो प्रतीति भी फिर कैसे होगी? प्रतीति रेव तो अत्यंत अत्यंत असतो गगन कमलिनी कल्पस्य देहेन्द्रियादेर नुपपद्यते। कि जो देहेन्द्रिय इत्यादि हैं गगन कमलिनी के समान हैं, अत्यंत असत हैं, तो उनकी तो प्रतीति नहीं होगी। जब वो प्रतीति नहीं होगी तो फिर देहेंद्रिय इत्यादि का आत्मा में आरोप कैसे होगा? आप ये कह रहे हो कि जो आरोप्यमाण है उसकी प्रतीति मात्र ही आवश्यक है, परंतु देहेंद्रिय इत्यादि तो गगन कुसुम के समान अत्यंत असत हैं, उनकी तो प्रतीति, पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न उठ रहा है कि उनकी तो प्रतीति नहीं होती, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई देह का आत्मा पे अध्यारोप होगा? फिर अब एक नया नई डेफिनेशन दे रहे हैं सत्व की, और देहेंद्रिय इत्यादि को में सत्व दिखाने के लिए प्रकाश मानत्व में ही चिदात्मनोपी सत्वम। जो चिदात्मा है वो सत है। क्यों सत है? क्योंकि वो प्रकाशमान है। तो अब जो सत्ता क्या चीज हुई? जो जो प्रकाशमान है उसमें सत्ता रहती है। आत्मा में आत्मा प्रकाशमान है, इसमें सत्ता रहती है, और उससे अतिरिक्त सत्ता की और कोई परिभाषा यदि आप देंगे तो उसमें दोष आएंगे। यानी प्रकाश मानत्व से अतिरिक्त, न तो तद अतिरिक्तम, तद तद माने हैं प्रकाश मानत्व, न तो तद अतिरिक्तम सत्ता सामान्य समवाय अर्थक्रियाकारिता वा सत्वम। अपनी तरफ से ऐड कर लो, ये नैयायिकों के हिसाब से सत की यह परिभाषा है कि सत्ता सामान्य जिसमें समवाय संबंध से रहे वो सत है,
सत्ता सामान्य है जिसमें समवाय संबंध से रहे वो सत है। या बौद्धों के हिसाब से जो अर्थ क्रियाकारी है वो सत है। जैसे जब हमको सुप्तिका के अंदर रजत की प्रतीति हो रही है तो रजत में अर्थ क्रियाकारिता नहीं है। अब उस रजत से हम अपने आभूषण नहीं बना सकते, इसलिए वो रजत सत नहीं है। तो ये जो दो परिभाषाएं दी हैं, दो लक्षण दी हैं सत्ता के, ये प्रकाश मानत्व से भिन्न लक्षण है। प्रकाश मानत्व को सत्ता के लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया पहले, और बाकी जो नैयायिक और बौद्धों का जो सत्ता सामान्य यानी कि सत का लक्षण है उसको इन्होंने नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि यदि हम मान लेंगे ऐसा तो द्वैत आपत्ति, द्वैत की आपत्ति हो जाएगी। अर्थ क्रियाकारिता और सत्ता सामान्य जिसमें समवाय संबंध से रहे वो, ये सत के जो लक्षण दिए हैं यदि ऐसा मान लेंगे तो द्वैत की आपत्ति हो जाएगी। ब्रह्म से अतिरिक्त फिर इनकी भी सत्ता माननी पड़ेगी। एक तो ये दोष हो गया, दूसरा इसमें अनवस्था दोष है। अनवस्था दोष कैसे आगे बता रहे हैं? सत्तायाश्च अर्थ क्रियाकारितायाश्च, जैसे सत्ता भी सत है, इसको सिद्ध करने के लिए फिर एक और सत्ता की कल्पना करनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं ना, सत्तायाश्च अर्थ क्रियाकारितायाश्च, सत्ता को सत बनाने के लिए सत्तांतर की कल्पना करनी पड़ेगी, और अर्थ क्रियाकारी भी सत है, इसको सत करने के लिए अर्थक्रियाकारिता अर्थक्रियाकारितांतर कल्पने अनवस्था पात। समझ आई बात ही? कि सत्ता सामान्य समवाय और अर्थ क्रियाकारिता को यदि हम सत्ता का लक्षण मानेंगे तो द्वैत की आपत्ति हो जाएगी। दूसरी बात अनवस्था दोष है कि सत्ता को भी सत मानने के लिए एक अन्य सत्ता की कल्पना करनी पड़ेगी, अर्थ क्रियाकारिता को भी सत मानने के लिए एक और अन्य अर्थ क्रियाकारिता की कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए अनवस्था दोष से दूषित होने के कारण सत्ता सामान्य समवाय और अर्थ क्रियाकारिता ये सत का लक्षण नहीं हो सकते। तो फिर सत का लक्षण क्या है? तो वही जो था, प्रकाश मानत्व ही चिदात्मनूपी सत्वम। तो इसका मतलब है तीन लक्षण दिए इन्होंने सत के, प्रकाश मानत्व, सत्ता सामान्य समवाय और अर्थ क्रियाकारिता। बाद के दो लक्षणों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पहले पहला जो लक्षण दिया प्रकाश मानत्व, उसको स्वीकार करके आगे बात कर रहे हैं। प्रकाश मानतैव सत्ता अभ्युपेतव्या, यानी प्रकाश मानता को ही आप सत्ता मान लीजिए, अर्थात सत्ता लक्षण मान लीजिए। प्रकाश मानतैव सत्वस्य लक्षणम्। और फिर देखो आगे, प्रकाश मानता को सत्ता का लक्षण बताते हुए ये कह रहे हैं देहादि भी तो प्रकाशमान हैं, तथा च देहादय। ये वही वाली बात आ रही कि जहां पर जो गगन कुसुम की तरह देहान देहेंद्र इत्यादि को जो असत कहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा, फिर उसके अंदर देहादि के अंदर सत्ता मान करके उसको कैसे प्रकाशमान होने के कारण, तथा च देहादय प्रकाशमानत्वात् न असंत, वो असत नहीं है चिदात्मा की तरह। चिदात्मा जैसे सत है वैसे ही देहादि भी सत है भाई। तथा च देहादय, और जब यदि उनकी प्रतीति हो रही है तो आत्मा में फिर देह का अध्यारोप हो जाएगा। तथा च देहादय, तथा च माने प्रकाशमानता के कारण देहादि, क्योंकि देहादि प्रकाशमान है इसलिए न असंत, वो असत नहीं है चिदात्मा की तरह।
और यदि वो असत होते, असत्वे वा न प्रकाशमान, यदि असत होते तो वो प्रकाशमान नहीं होते, लेकिन देहादि तो प्रकाशमान है, यानी सबको पता लगता है कि देहादि है। प्रकाशमान का मतलब ज्ञान का विषय बनने वाले। तत्कथम सत्यानृत सत्यानृतयोर मिथुनी भाव, तो यदि वो दोनों ही सत हैं, देहादि भी सत हो गए और आत्मा भी सत हो गया, तो जो शंकराचार्य जी ने कहा था सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य, तो भाई फिर तत्कथम सत्यानृत सत्यानृतयोर मिथुनी भाव, आपने जो सत्य और अनृत का मिथुनी भाव कहा है वो फिर कैसे घटेगा, क्योंकि ये तो दोनों ही सत हो गए। और यदि मिथुनी भाव नहीं होगा तो भेदाग्रह कैसे होगा। मिथुनी भाव का अर्थ जरा ढंग से समझ लेना चाहिए। मिथुनी भाव का मतलब यहां पर तादात्म्य नहीं है, मिथुनी भाव का मतलब है कोई दो पदार्थों का स्वरूपतः बुद्धि में स्थित होना। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने जो पिछली बार अपने भ्रम का एग्जाम्पल दिया था वो बनियान की तनी और कान खजूरे वाला, उसको भी देख लो, और ये जो रज्जु और सर्प को भी देख लो, और शुक्ति का रजत को भी, रजत से भी उसको समझा जा सकता है। जब हम ये कहते हैं इदम रस्तम, तो उस अध्यास में दो चीजों की आवश्यकता है, अधिष्ठान की और आरोपणीय वस्तु। तो बुद्धि में हमें अधिष्ठान भी प्रतीत हो रहा है, बुद्धि में हमने उसको रखा, इदंत्वेन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा ना, वो इदंतेन है, कुछ वस्तु है वो। और रजत जो स्मरण का विषय है वो भी हमारी बुद्धि में उपस्थित हो रहा है। तो इस प्रकार इदंत्वेन अधिष्ठान की उपस्थिति और स्मृत विषयत्वेन रजत की उपस्थिति हमारी बुद्धि में है। ये जो सह अवस्थान है इसी को ही मिथुन कहा जा रहा है। जब इनका सह अवस्थान होगा तब ही भेदाग्रह की बात आएगी। ये बात कल्पतरु में पिछली क्लास में समझा भी दी थी, और उसमें ये कहा गया था मिथुनी करणाद विवेकाग्रह ततो अध्यास इत्यर्थ। मिथुनी करणात यानी दो अधिष्ठान और आरोपणीय दोनों वस्तुओं को स्वरूपतः बुद्धि में उपस्थित होना ही मिथुन भाव है। इस मिथुन भाव के बाद विवेकाग्रह होता है, भेदाग्रह होता है, और भेदाग्रह के बाद अध्यास होता है। ये क्रम है, ये भामती पे कल्पतरु में ये बताया था, फिर पढ़ रहा हूं मैं उस पंक्ति को। मिथुनी करणात विवेकाग्रह ततो ध्यास। मिथुनीकरण से, मिथुनीकरण के बाद जब वो दोनों सह इकट्ठे बुद्धि में उपस्थित हो गए ना, फिर उनमें विवेक का ज्ञान नहीं होता। जब उनमें विवेक का ज्ञान नहीं होता, भेद का ज्ञान नहीं होता, तब वो अध्यास का इंसिडेंट बन जाता है। वो अध्यास यानी कि रजत को हम उस इदंतेन जो अधिष्ठान है उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं। तो मिथुनी भाव का मतलब यहाँ पर एक दूसरे का तादात्म्य होना नहीं है। मिथुनी भाव का मतलब है जैसे कल तरु में फिर कहा है युगली करणम नाम अधिष्ठान आरोप्योर स्वरूपेण बुद्धौ भानम। कल तरु की पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं। युगली करणम माने मिथुनी भाव, युगली करणम नाम अधिष्ठान आरोप्ययो स्वरूपेण बुद्धौ भानम। ये जो बात मैंने कही थी यहां पर वो स्पष्ट हो रही है कि अधिष्ठान और जो आरोपणीय वस्तु है दोनों का बुद्धि में स्वरूपतः उपस्थित होना मिथुनी भाव है। तो
जब सह अवस्थान हो गया तभी भेदाग्रह की बात आएगी, और भेदा उनमें जब यदि भेद का ज्ञान हो गया तो अध्यास नहीं होगा, और भेद का ज्ञान नहीं हुआ तो अध्यास हो जाए, ये प्रोसेस है उसका अध्यास होने का। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। फिर आगे तत्कथम सत्यानृतयोर मिथुनी भाव, और जब मिथुनी भाव नहीं होगा तो तद अभावे वा कस्य कुतो भेदाग्रह। यदि मिथुनी भाव नहीं है, दोनों का सह अवस्थान नहीं है, तो उसके अभाव में किसका किससे भेद का आग्रह हम कहेंगे। और ये तद अभावे माने मिथुनी भावा भावे, तद 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 किसके लिए आ रहा है, मिथुनी भाव के लिए। तद अभावे माने मिथुनी भावा भावे, दोनों के सहावस्थान के अभाव में किसका किससे भेद का आग्रह हो। आग्रह माने अज्ञान, ज्ञान का अभाव। और यदि भेदाग्रह नहीं होगा तद असंभवे माने भेदाग्रह संभवे, भेदाग्रह संभवे कुतो अध्यास। अब जब वो भेद का आग्रह ही नहीं होगा तो कहां से अध्यास होगा। ऐसी बात मन में रखते हुए जो पूर्व पक्षी है वो आक्षेप कर रहा है, इत्याशयवान आह आक्षेपता। इस आशय को ध्यान में रख करके, यानी कि ऐसे ऐसी ऐसे ऐसा कंक्लूजन निर्णय उसने निकाल लिया और उसके आधार पर वो आक्षेप कर रहा है, तुम ये कह रहे हो अध्यास होता है, अध्यास होता है, कोई हम अध्यास है। यहां पर क जो है ना आक्षेप के अर्थ में, आक्षेप यानी यहां प्रश्न के अर्थ में नहीं है। जैसे कभी थोड़ा सा हंसी मजाक में बात कर रहा हूं, कभी कोई हम ऐसा हमें हमारे सामने कोई व्यक्ति आ रहा है और हमको कहते हैं तू है कौन, तू है कौन का मतलब है कि तू कुछ नहीं है, ये आक्षेप है। हम उससे ये नहीं पूछ रहे तू है कौन का मतलब है कि तू अपना नाम बता, तेरे पिताजी का नाम क्या है, तू रहता कहाँ, ये नहीं पूछ रहे हम। तू है कौन यहाँ पर, ये आक्षेप में, यानी कि तू कुछ नहीं है, जस यहाँ से चल 9 से 11 हो जाए यहाँ से। ऐसे ये जो कहा है ना कोयम अध्यासों का मतलब, ये जो अध्यास की बात आप कर रहे हैं सिद्धांती महोदय, ये अध्यास है क्या जी, अध्यास कुछ नहीं है, ये मतलब है इसका आक्षेप करने का। यहाँ प्रश्न नहीं हो रहा है ये, इसलिए भामतिकार कह रहे क इत्याक्षेप, अध्यास कुछ नहीं होता ये मतलब है आक्षेपकर्ता का। पकड़ में आ रही है ना ये आर्गुमेंट, तो हाँ बोलो। आ रही सर समझ में। जी सर, जी सर। अच्छा, हाँ वो जैसे कहानी सुनाते हैं ना, हाँ हाँ बोलनी चाहिए ना यार, नहीं तो ऐसा लगता है कि वो सो गए। वो सर म्यूटेड रखते हैं ना, तो फिर उसे अनम्यूट करने में समय लग जाता है। वो अपना माइक म्यूटेड रखते हैं ना सर, तो उसको अनम्यूट करने में समय लग जाता है, इसलिए हाँ, अन्यथा इधर तो हाँ करते रहते हैं। जी सर, इस कारण से चलो जी चलो, ये गैप ना। समाधाता, अब समाधाता समाधान कर रहे हैं, जी लोक सिद्धम अध्यास लक्षम लक्षणम आचक्षाण एव आक्षेपम प्रतिक्षेपति। लोक सिद्ध, वो समाधाता कहता है ये अध्यास का जो लक्षण है ये सब लोग मानते हैं, एक चीज का प्रारंभ होता है, उसी अध्यास के लक्षण को कहते हुए जो आक्षेप किया है पूर्व पक्ष ने, उस आक्षेप का वो जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे का मतलब है मिलियन डॉलर अध्यास का लक्षण बता रहे हैं भाई ये। अच्छा स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, ये अध्यास का लक्षण है, बड़ा पॉपुलर लक्षण है, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास। स्मृति रूप जो शब्द है इस पे मैं बता रहा हूं, फिर आगे भी बातचीत होगी तो कर लेंगे। स्मृति शब्द स्त्रियाम तीन तीन शब्द से बन प्रत्यय लग करके बनाए, और स्त्रियाम तीन
तीन इस सूत्र के ऊपर काशिका की पंक्ति पढ़ो, भावे अकर्तरी च कारके इति वर्तते, भावे अकर्तरी च कारके इति वर्तते। तो स्मृति शब्द में जो कितनी प्रत्यय लगा है वो भाव में भी है और कर्तरी भिन्न कारक में भी है। इसका फलितार्थ ये हुआ कि यहाँ पर स्मृति शब्द भाववाचक भी है, भावार्थक भी है, और स्मृति शब्द कर्म में प्रत्यय वाला भी है। तो इसको कैसे करेंगे हम फिर? स्मृति का जब कर्म में प्रत्यय लगेगा तो उसका अर्थ होगा जो स्मृति का विषय है। स्मृति माने स्मृति का विषय। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यहां पर स्मृति का मतलब है इज इक्वल टू रजत, रजत की स्मृति हो रही, रजत स्मर्यमाण है। जब कर्म में प्रत्यय लगेगा तो यहां स्मृति का मतलब है स्मर्यमाण, अर्थात ये अर्थाध्यास इससे बताया जाएगा। स्मृति का स्मृति तीन प्रत्यय जब कर्म में लगेगा तो स्मृति का मतलब होगा स्मृति का विषय, या दूसरे शब्दों में कह दो स्मर्यमाण। पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये हो गया रजत। और जब भाव में प्रत्यय लगेगा तो स्मृति का मतलब है स्मरणम, यानी ज्ञान। ये ज्ञानाध्यास की बात हो रही है। तो यहां पर जहां पर अध्यास माना जाता है ना, जैसे सुक्तिका में रजत, तो अर्थाध्यास भी है और वहां ज्ञानाध्यास भी। जो ज्ञान है वो स्मरण के सदृश है, जो ज्ञान ज्ञानाध्यास स्मरण के सदृश है ज्ञानाध्यास, और जो अर्थाध्यास है वो स्मर्यमाण सदृश है। तो स्मृति रूप परत्र का मतलब इस मतलब स्मृते रूपम एव रूपम यस्य। तो स्मृते रूपम एव रूपम यस्य जब हम अर्थ करेंगे तो हम स्मृति के दोनों अर्थ लेंगे, यानी स्मृति स्मरण, यानी स्मरण का जैसा रूप है वैसा ही जो अध्यास रूप ज्ञान हो रहा है वो स्मरण के सदृश है ज्ञानाध्यास। और जब अर्थाध्यास की बात करेंगे तो हम करेंगे स्मृते रूपम भी स्मर्यमाणस्य रूपम भी रूपम यस्य स्मर्यमाणस्य स्मर्यमाणस्य। ये दो बात ध्यान में रखनी है। ऐसी अध्यास शब्द को भी ले लो, अध्यास शब्द में भी जो घ प्रत्यय वो भाव और कर्म दोनों में है। जहां कर्मणी प्रत्यय है वहां पर अध्यास का अर्थ है अर्थाध्यास, और जहां भाव में प्रत्यय है वहां अध्यास का मतलब है अध्यसनम, वो ज्ञानाध्यास। तो इस अध्यास के यहां पर दोनों अर्थ ध्यान में रखने चाहिए। तो क्या हुआ, यदि कर्म में प्रत्यय होगा तो हम करेंगे स्मर्यमाण सदृश, और जब भाव में प्रत्यय मानेंगे तो हम कहेंगे स्मरण सदृश। स्मरण सदृश ज्ञानाध्यास और स्मर्यमाण सदृश अर्थाध्यास। तो स्मृते रूपम एव रूपम यस्य में बहुव्रीहि समास है, और यहां पर सप्तम उपमान पूर्व पद उत्तर पद, उत्तर पद लोपश्च, वार्तिक। हाँ ये वार्तिक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे स्मृति रूप है, स्मृते रूपम ये होगा ना षष्ठी समास है, तो ये स्मृति रूपम इव रूपम यस्य में स्मृति रूपम ये उपमान वाची है, क्योंकि रूप की तुलना इसी से हो रही है दूसरे रूप की। तो यहाँ पर जो ये जो समस्त पद है, पूर्व पद समस्त पद कौन हुआ, स्मृति रूप। तो यहाँ पर इस वार्तिक से स्मृति रूप का जो रूप है उसका लोप हो जाएगा और फिर समस्त पद बन जाए बहुव्रीहि समास स्मृति रूपः उष्ट्रमुख की तरह। उष्ट्रमुख की तरह जो सिद्धांत कौमुदी में दिया है।
और एक इसके ऊपर एक और चीज बताऊं आपको मैं, उकालो झस्व दीर्घ वाम काले व कालो यस्य। तो वहां पर सिद्धांत कौमदीकार कहते हैं कि ये फलितार्थ कथन है। फलितार्थ कथन का मतलब समास जो है ना ऐसे नहीं होना चाहिए, व्यधिकरण हो रहा है ये। तो वहां तत्व बोधनिकार या प्रौढ़ मनोरमा में भी दिया ये। तो वहां प्रौढ़ मनोरमा में कैसे विग्रह किया उसका, ये कि सर की है, हैं बोलो, वह कालो यस्य, ये तत्व बोधनिकार है, वह कालो यस्य। और फिर उसमें वो क्योंकि योग्यता नहीं आ रही है ना उसमें, काल के साथ कैसे उसको जोड़ेंगे हम, तो फिर उसका कह दिया वह काल का मतलब, वह वह का मतलब है ना उश्च उश्च उश्च, वह यण हुआ यहाँ पर क्योंकि ह्रस्व नहीं है, और वह हो गया वह, ये ऊ का बहुवचन हो गया। तो वहां पर वह की लक्षणा कर लिया ऊ काल में। और नीचे एक टीका है सरला टीका, उसमें कहा है कि भाई यहाँ लक्षणा जो है ना, लक्षणा का धावन होगा उकाल सदृश, उकाल सदृश काल यस्य, क्योंकि आकार का जब हम उच्चारण करेंगे स्वरूप में तो वो जो कुक्कुट रुत के आधार पर जो पाणिनि महाराज ने ये सूत्र बनाया, तो उसका मतलब ये होगा कि जो ह्रस्व उ के उच्चारण में जो काल लगता है, तत्सदृश काल जिस स्वर के उच्चारण में लग रहा है वो ह्रस्व होगा। तो इस प्रकार वहां पर भी है सर तत्वबोधिनी में ये बड़े अच्छे ढंग से समझाया। साथ में जो टीकाएं दी ना शब्द रत्न भैरवी सरला, सरला में थोड़ा और ढंग से अच्छी तरह समझा दिया है। खैर स्मृति रूप का मतलब समझ आ गया ना, स्मरण सदृश और स्मरियमाण सदृश। फिर परत्र, परत्र से यहां पर देखो ना, अध्यास में दो चीजों की अपेक्षा है। परत्र शब्द से अधिष्ठान यहां पर संकेतित है, और दूसरे जिसकी अपेक्षा होती है वो आरोपणीय की होती है, और पूर्व दृष्ट पद से आरोपणीय उपस्थापित हो रहा है। परत्र यानी अधिष्ठान के लिए पूर्व दृष्टावभासव, पूर्व दृष्ट का अवभास माने प्रतीति, ऐसी प्रतीति जो स्मृति रूप है, और वो प्रतीति जो पूर्व दृष्ट की है उसका परत्र, परत्र माने अन्य वस्तु में ज्ञान होना, अवभास माने प्रतीति होता है। लेकिन यह भामतिकार इतना कुशलता से इसका इसकी व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो केवल अवभास पद से ही अध्यास का लक्षण घटित हो जाएगा, बाकी तो सब प्रपंच मात्र है। और वो बता रहे हैं आगे अवभास की व्युत्पत्ति कैसे कर रहे हैं, अवसन्नो अवमतो वा भासो अवभास, अवसन्नो अवमतो वा भासो अवभास, ऐसा भास ऐसी प्रतीति उसको समझा रहे हैं ये प्रत्यांतर बाधश्च अस्य अवसादः। अवसन्न को ले रहे हैं वो पहले, अवसन्न का मतलब है अवसाद वाला, जैसे भिन्न का मतलब भेद वाला होता है ना, ऐसी अवसन्न अवसत से एक तरह प्रत्यय लग करके अवसन्न अवसाद वाला, उसी का अवसाद का अर्थ किया है इन्होंने प्रत्यांतर बाद ही अवसाद। जैसे प्रत्यांतर बाद, जैसे मुझे जो रजत ज्ञान हुआ है, जब रजत ज्ञान के बाद मुझको शुक्तिका का ज्ञान होगा, शुक्तिका का ज्ञान प्रत्यांतर है, रजत ज्ञान का इस प्रत्यांतर से बाद हो जाता है, यही ये अर्थ दे रहे हैं अवभास का भामतिकार। यानी एक एक शब्द को वो एक पर्टिकुलर मीनिंग से इम्प्रेगनेट कर रहे हैं, एक शब्द में अर्थ दे रहे हैं, मतलब ये ताकि
वो समझा सके कि भाई इसी शब्द से अध्यास की अध्यास का स्वरूप भी समझ में आ सकता है। अवसाद का मतलब प्रत्यंतरवाद। जब एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान से बाद हो जाता है तो जो पहला ज्ञान जो बाधित है वो अवभास है, ये अवसन्नो भासम, अवमतो वा भासम। अवमतो का मतलब अवमान, अवमतो माने अवमान वाला। अवमान का यहां पर अर्थ कल्पतरु में किया गया है यौक्तिक तिरस्कार। यौक्तिक माने युक्ति से तिरस्कार करना। युक्ति से तिरस्कार का बहुत ही सुंदर अर्थ किया है वेदांत कल्पतरु में, कल्पतरु परिमल में। देखो वो पढ़ रहा हूं मैं, तिरस्कार इच्छा प्रवृत्त्यादि कार्य क्षमत्वापादनम। तिरस्कार क्या चीज होती है? इच्छा प्रवृत्ति इत्यादि जो कार्य है उसकी अयोग्यता का संपादन। उदाहरण के लिए रजत का तिरस्कार हम कैसे करेंगे? भाई ये रजत जो हमको दिखाई दे रहा है, युक्ति क्या है? यदि ये सत्य होता तो ये इससे मेरी अंगूठी बन सकती थी, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, उसमें अर्थ क्रियाकारिता नहीं है, ना तो फिर उसकी इच्छा होगी ना प्रवृत्ति इत्यादि होगी। तो इच्छा प्रवृत्ति आदि कार्याक्षमत्वापादनम, कार्याक्षमत्व इच्छा प्रवृत्ति इत्यादि कार्य की अयोग्यता का संपादन, यानी कि ना तो ये इच्छा के लोग योग्य है ना ये प्रवृत्ति इत्यादि के योग्य है, अनुपादान प्रवृत्ति जो व्यवहार है उसके योग्य नहीं है, इसलिए इस युक्ति से उसका तिरस्कार हो रहा है, उस ज्ञान का तिरस्कार हो रहा है, उस रजत ज्ञान का तिरस्कार हो रहा है। तो अवमान का मतलब है यौक्तिक तिरस्कार। तो आप देख लीजिए अवभास शब्द से इन्होंने अध्यास की परिभाषा कर दी। तो अवसाद का क्या मतलब हुआ? प्रत्यांतर बाध। और अवमान का क्या अर्थ हुआ? यौक्तिक तिरस्कार। तो ऐसा ज्ञान जिसका युक्ति से तिरस्कार हो जाए, ऐसा ज्ञान जिसका दूसरे ज्ञान से बाद हो जाए वो अध्यास है। एतावता मिथ्या ज्ञानम इत्युक्तम भवति। इतने से मिथ्या ज्ञान का लक्षण हो गया, मिथ्या ज्ञानम इत्युक्तम भवति। और वो कहते तस्य इदम उपव्याख्यानम, और बाकी तो सब उसका उपव्याख्यान माने प्रपंच मात्र, पूर्व दृष्टि इत्यादि परत्र इत्यादि स्मृति रूप इत्यादि सब उसका प्रपंच है। अवभाष्य ही यहाँ पर मान लीजिए अध्यास का लक्षण हो गया, अध्यास का स्वरूप समझ में आ गया। ये भामतिकार की अपनी एक उपस्थित प्रस्तुति है, इस तरीके से अवभास की व्याख्या करके और बाकी को उसका प्रपंच मात्र कह दिया, लेकिन इसकी इन सब पदों के महत्व हैं और उनके पद कृत्य इत्यादि से उनके महत्व को भी समझा रहे हैं। हम आगे देखें पूर्व दृष्टस्य अवभास, पूर्व दृष्टावभास, पूर्व दृष्ट का अवभास यानी पूर्व दृष्ट की प्रतीति। रजत जो पूर्व दृष्ट है उसकी प्रतीति हो रही है परत्र माने शुक्तिका में। अब वो समझा रहे हैं कि ये जो अध्यास है इसमें जो दो घटक आवश्यक हैं उनको समझा रहे हैं, मिथ्या प्रत्ययश्च। मिथ्या प्रत्यय के लिए दो चीज जरूरी है, अध्यास के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। वो बता रहे हैं आरोप विषय आरोपणीयोर मिथुनम अंतरेण। आपके पास भामती है ना, सबके पास, तो आप इसको पढ़ो जरा एक मिनट। मिथ्या प्रत्ययश्च, मिथ्या प्रत्ययश्च आरोप विषयारोपणीय रोपणीयोर मिथुनम अंतरेण न भवतीति पूर्व दृष्ट ग्रहणे नानृतम आरोपणीय। अच्छा हाँ, ये है ना, जैसे जो मेरे पास रीडिंग है वो ये है, मिथ्या प्रत्ययश्च आरोप विषय आरोपणीययोर
मिथुन मंत्रेण, ये रीडिंग है। लेकिन इसके इसके अतिरिक्त एक और रीडिंग भी है, वो भी बता रहा हूँ मैं, वो ज्यादा समीचीन रीडिंग है। षष्ठी का प्रयोग है आरोपणीयस्य, ऐसा प्रयोग है सर ये जो आरोपणीयस्य है ना, ये मेरी पुस्तक में भी है। अच्छा जी, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि आरोप विषय और आरोपणीय ये द्वंद्व समास है। आरोप विषय होता है अधिष्ठान, आरोपणीय है आरोप्य, आरोप विषयश्च आरोपणीय विषयश्च, दो द्वंद्व समास है ना ये। आप फिर मिथुन, मिथुन होने के लिए भी तो दो चाहिए ना, आरोप विषय आरोपणीयो, आरोप विषय आरोपणीयोर मिथुन मंत्रेण, ये रीडिंग ज्यादा ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा ठीक रीडिंग मैं और बता रहा हूं, ये आरोप विषय आरोपणीय आरोपणीय मिथुन मंत्रेण, उसका भी समास कर दिया है। आरोप विषय आरोपणीय मिथुनम अंतरेण, वो जो आरोपणीय यो हमने षष्ठी समास किया हुआ किया है ना वहां पर, वो षष्ठी जो विभक्ति यूज की है उसकी जरूरत नहीं है। आरोप अड्यार वाले एडिशन में ऐसा ही है सर, हैं अड्यार वाले एडिशन, अड्यार वाले एडिशन में ना यही है जो मैं जो आप कह रहे हैं ना, अच्छी अच्छा पाठ। हाँ बिल्कुल यही ठीक है, आरोप विषय आरोपणीय मिथुन मंत्रेण न भवति इति पूर्व दृष्टग्रहणेन अनिर्तम आरोपणीयम उपस्थापयति। वो ये कह रहे कि पूर्व दृष्ट का जो ग्रहण किया है लक्षण में, अब पूर्व दृष्ट का कृत्य प्रयोजन बता रहे हैं ना, इससे अनिर्तम आरोपणीयम उपस्थापयति, अनिर्त असित्य आरोप को उपस्थित कर रहे हैं। और परत्र का नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं परत्र का भी होना चाहिए। परत्र शब्द से अधिष्ठान की उपस्थापिति उपस्थिति हो रही, तो दोनों चीजें हो गई। पूर्व दृष्ट ग्रहण से अनिर्वचनीय आरोपणीय की उपस्थिति करा रहे हैं भाष्यकार, और परत्र शब्द से अधिष्ठान की। एक और बात इसमें ध्यान देने की है कि आरोप विषय शब्द का अर्थ अधिष्ठान है। अब अधिष्ठान है तो इसको कैसे इसका अधिष्ठान अर्थ किया जाए, क्योंकि विषय विषय का मतलब स्थान भी होता है, विषय का मतलब देश भी होता है, विषय का मतलब क्षेत्र भी होता है। तो मैं ये समझ रहा हूं, जो मेरी समझ में आई ये बात, आप लोगों में से किसी को उसको इम्प्रूव करना हो तो मुझे कृतार्थ कीजिएगा, कि विषय माने वो स्थान जहां पर आरोप किया जा रहा है, आरोप का विषय अर्थात आरोप का क्षेत्र, आरोप का जहां पर स्कोप है वो। मैं ऐसा अर्थ करके इस सब जगह इन्होंने ये लिखा हुआ आरोप विषय अधिष्ठानम, आरोप विषय अधिष्ठान, फिर होगा कैसे अर्थ ये? विषय को यदि हम देश के अर्थ में ले लें, स्थान के अर्थ में ले लें, क्षेत्र के अर्थ में ले लें, तब आरोप का क्षेत्र है, आरोप का विषय है, आरोप का यहाँ पर स्कोप वो है। जैसे आरोप का विषय यहाँ पर शुक्तिका है, तो शुक्तिका वो स्थान है जहां पर रजत आरोपित हो रहा है, इसलिए आरोप विषय का अर्थ अधिष्ठान अर्थ इन्होंने किया है। मेरी समझ में ऐसे अर्थ इन्होंने किया होगा, हालांकि किसी ने इसको स्पष्ट नहीं किया है, पर मुझे प्रॉब्लम लग रही थी इसलिए मैंने आपके सामने बात रख दी। अब इसमें कुछ अन्य बात होगी तो आप बताइएगा। मिथ्या प्रत्ययश्च आरोप विषय आरोपणीय मिथुन मंत्रेण न भवति इति पूर्वदृष्ट ग्रहणेन अनितम आरोपणीयम उपस्थापयति। तस्य च का क्या मतलब है? वो आरोपणीय विषय, उस आरोपणीय विषय की दृष्टत्व मात्र उपयुज्यते, अर्थात प्रतीति मात्र का ही उपयोग है उसका। वो पहले भी क्या है, न वस्तु सत्य दृष्ट ग्रहणम
वस्तु सत्ता, यानी कि वो पारमार्थिक रूप से सत्य हो ये जरूरी नहीं है, मात्र उसकी प्रतीति हो जाए इतना ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए मैंने कभी सच्चा सांप नहीं देखा, वास्तविक सर्प नहीं देखा, और मैंने वो पिक्चर में सर्प को देखा है, और फिर उसके साथ जितनी और वाली बातें वो जुड़ी हुई सुनी है मैंने, तो मैं फिर भी रस्सी में वो जो असत्य सर्प मैंने देखा था उसकी जो मुझे प्रतीति, उसी के आधार पर ये अध्यास हो सकता है, ये इसका अभिप्राय कि जो आरोपणीय है। दृष्ट का अर्थ जो है ना, हाँ बोलिए, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी सर। सर दृष्ट का अर्थ जो है ना, वो किसी भी रूप में ज्ञान का विषय बन जाए ना, उसको दृष्ट ही कहेंगे। जैसे बच्चे को डराया जाता है ना सर, कुछ भी भूत प्रेत जैसी चीजों की बात कह के भी, तो शब्द बोध से भी वो दृष्ट ही भी आ जाएगा वो सब कुछ। हाँ 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 बिल्कुल, बार बार उसमें जोड़ दे रहे हैं ना कि अब ये दृष्ट ग्रहण इसलिए किया है जी, दृष्ट ग्रहण क्या है, तस्य च दृष्टत्व मात्रम उपयोग मात्र कह दिया, न वस्तु सत्य थी वो, मतलब वस्तु सत्य नहीं है वो, पारमार्थिक रूप से सत्य जरूरी नहीं, इति दृष्ट ग्रहण। अब उनका एक एक व्याख्या करने की टेक्निक है, साथ में अब ये भी कह रहे हैं कि वहां पर दृष्ट इसलिए कहा है कि जो भूतकाल में दृष्ट वस्तु है ना उसी का आरोप होता है, इस समय वर्तमान में जो दिखाई दे रही है उसका आरोप नहीं होता, तथापि वर्तमानम दृष्टम दर्शनम, यदि दृष्ट का अर्थ दर्शन मात्र हम करें, नारोप योगी, हाँ इसलिए यह पूर्व इत्युक्तम, उसमें पूर्व शब्द और जोड़ दिया कि पूर्व दृष्ट का ही आरोप होता है, इस समय जो वर्तमान में हमको दिखाई दे रहा है, वर्तमान में जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है उसका आरोप नहीं होता, इसलिए पूर्व का ग्रहण किया है। तच्च ये कहीं पाठ ये दिया तत्र, लेकिन यहां पर ये पाठ है तच्च, तच्च पूर्व दृष्टम स्वरूपेण सत आरोपणीयतया अनिर्वाच्यम अनृतम, वो जो पूर्व दृष्ट पदार्थ है स्वरूपेण सत अपि, यहां पर वो ये कह रहे हैं कि स्वरूपतः यदि वो सत हो तो भी जब उसका हम आरोपण कर रहे हैं वो अनिर्वचनीय होता है। शुक्ति का आगे पड़ी हुई है और शुक्ति का रजत के साथ सादृश्य है, तो मुझे रजत की स्मृति हो रही है, और रजत मैंने जो पहले सुनार की दुकान में देखा वो रजत वास्तविक है और वो इस समय स्मृति का विषय भी है, लेकिन जब मैं उसका आरोप करूंगा तो वो अनिर्वचनीय रजत है। इधर ध्यान से देखना, नैयायिक तो जब ब्रह्म को की व्याख्या करते हैं तो वो तो कहते हैं ना कि जो हट्टस्थ रजत है उसका ज्ञान लक्षण प्रत्यासक्ति से वो संबंध हो रहा है और उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, उसका आरोप कर रहे हैं उसको, अन्यथा ख्याति में जैसे होता है कि वहां पर तो वो प्रत्यक्ष है ना ब्रह्म नैयायिकों का, और वो नैयायिकों की जो रजत है वो वास्तविक रजत है जो दुकान में रखी हुई है, और उस दुकान के रजत का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से। ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमें रजत की स्मृति है, लेकिन जब हम उसका आरोप कर रहे हैं तो जो आरोपणीय रजत है ना वो अनिर्वचनीय है। ये जो अनिर्वचनीयता है आप एक दो दिन में देखेंगे कितने सुंदर ढंग से भामतीकार ने इसको समझाया है, अगली क्लास में वो आएगी बात, इतने सुंदर ढंग से उसकी अनिर्वचनीयता की का स्पष्टीकरण किया है, वो देखते ही बनता है। तो खैर इस समय तो इतना काफी है कि जो आरोपणीय रजत है वो अनिर्वचनीय है, सत नहीं है, और जो स्मृति का विषय भी बना हुआ, जब हम वो तो जो हमने वास्तविक रूप में देखी थी वही स्मृति का विषय है,
परंतु जब हम उसका आरोप कर रहे हैं तो आरोप आरोप्यत्वेन वो रजत अनिर्वचनीय है। अच्छा वैसे मैं थोड़ा सा बताऊं उसमें कि जो वेदांत में ना जो सुप्तिका का अज्ञान है उस अज्ञान का ये परिणाम है रजत, अज्ञान का परिणाम है। तो अज्ञान अनिर्वचनीय है और उस अज्ञान से जन्य जो पदार्थ है वो भी अनिर्वचनीय, ये उसका थोड़ा और स्पष्टीकरण है। अनिरुद्ध को अनिर्वचनीय क्यों कह रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध शब्द जो है अनिरुद्ध का प्रयोग ना करके अनिर्वचनीय का करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब वो तो उसमें अन्य अर्थ में लगा हुआ ना, और अब वहां पर रित भिन्न से अर्थ लिया है। वो रित भिन्न तो जो रित है जो सत्य है उससे भिन्न कुछ भी हो सकता है ना, व्यवहारिक भी हो सकता है, और जो ये इनका जो अध्यास का विषय है वो भी हो सकता है, और वो अनिर्वचनीय होता है, इसलिए अनिरित से अनिर्वचनीय लेने में क्या प्रॉब्लम। अनिरित तो जो अ न है वो भिन्न अर्थ में है, रित भिन्न तो सत्य से जो भिन्न है वो अनिर्वचनीय भी हो सकता है व्यावहारिक भी हो सकता है। आरोप विषयम सत्यमाह, आरोप विषय का क्या मतलब बताया था? अधिष्ठान। आरोप विषयम सत्यमाह वो अधिष्ठान सत्य है, उसको बताने के लिए यहां परत्र शब्द का लक्षण में प्रयोग हुआ है। फिर आगे बता भी नहीं, परत्र शुक्तिकादौ परमार्थ सति, परत्र शुक्तिकादौ परमार्थ सति, तो वो शुक्तिकादि तो परमार्थ सत है और जो आरोपणीय है वो अनृत है, उसी बात को पकड़ के लिए सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य जो भाष्य की पंक्ति है ना उसी बात को एंडोर्स करने के लिए कहा जा रहा ना ये। परत्र शुक्तिकादौ परमार्थ सति तद अनेन सत्यानृतम मिथुनम उक्तम, तद इसलिए ये सत्यानृतम मिथु सत्यानृत मिथुनम उक्तम सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य उसी बात को। ये शुक्तिका इत्यादि परमार्थ सत है या परमार्थ सत स्थानीय है? बलराम यहाँ पर जो मैंने पहले बात कही थी ना जी, कि ये जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं जैसे देहेंद्र इत्यादि की भी दे रहे हैं जी, देहेंद्र इत्यादि को तो बिल्कुल ही अत्यंत असत कह करके, और फिर जो एम्पिरिकल रियलिटी है उसको परमार्थ सत कह करके जी, समझाने के लिए जी, 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 पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष में जो झगड़ा हो रहा है ना ये, वैसे तो फिर ये भी कह दिया ना उन्होंने कि भाई देहेंद्र इत्यादि तो प्रकाशमान है तो सती है जी, सत सत है तो फिर वो दो सत दो सतों के अंदर जो आप मिथुन कर रहे हैं तो वो सत्यानृत कैसे हो गया जी जी जी, आई थी ना पहले बात जी कि देह और आत्मा दोनों ही सत हो गए जी, जो सत्यानृत जो आपने कहा ये तो बात घट नहीं रही जी, जब दोनों की ये जो दोनों का मिथुन नहीं हो रहा है तो भेदाग्रह कैसे होगा इत्यादि इत्यादि जी जी जी, इसी प्रकार तो ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट है जी, ये ऐसा नहीं है कि वो एक उन्होंने एक कंक्लूसिव अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है जी, बस उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक टेक्निक है जी, रजत की दृष्टि से वो परमार्थ, रजत की अपेक्षा रजत की दृष्टि परमार्थ है, इसलिए वो कह दिया ना कि वो जो अधिष्ठान है वो वैसे तो व्यवहारिक दृष्टि व्यवहार व्यवहारिक सत्य है ना वो तो, आप वैसे वेदांत का जो सिद्धांत पक्ष है उसमें तो ये है ना कि भाई। अच्छा आप एक और बात बताऊ मैं आपको, अब तक तो आपने पढ़ा होगा कि तीन हायरार्की कल रियलिटी है ना, तीन है, पारमार्थिक सत्य व्यवहारिक सत्य और प्रातिभासिक सत्य, लेकिन संक्षेप शारीरिक में एक चौथा और जोड़ दिया है अलीक को, अलीक को ले आए वो, और वो अलीक को लाना बड़ा जरूरी है क्योंकि उसके बिना आगे चल करके विज्ञानवाद समझ में नहीं आएगा जी। तो वो चार कैटेगरी में उन्होंने रख दिया,
परमार्थ सत, व्यावहारिक सत, प्रासिभाषिक सत और अलीख। उसके आगे लिखा कुछ नहीं है, बस अलीख। वो अलीख क्या है वो फिर अब भामतिकार उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं कि विज्ञानवाद में भ्रम कैसे होता है। विज्ञानवाद के ऊपर अब तक जैसे जो झा साहब ने भी अपने प्रवचन में कहा था ना वो लेक्चर में कि विज्ञानवाद साकारवादी है, ध्यान है आपको? यानी हमारे हमारे जो इंडियन फिलॉसफी में जो विज्ञानवाद है उसको साकारवादी कहते हैं। विज्ञानवाद का मतलब है विज्ञान के अंदर हम सारी चीजें ऑलरेडी हैं, जो बाहर मुझे कुर्सी दिखाई दे रही है वो विज्ञान में सत है, विज्ञान में है जी। बाह्यतया अब जो दिखाई दे रही है वो भ्रम है जी। है विज्ञान के, विज्ञान का कंटेंट है वो। तो ये जो चेयर एज ए कंटेंट ऑफ माय कॉन्शियसनेस इज ओके, इज रियल, परंतु इफ इट इज सीन आउटसाइड तो द स्टेट ऑफ इट्स बीइंग आउटसाइड इज इल्यूजन। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं कि विज्ञानवाद में भी दो मत हैं, एक अर्ली विज्ञानवाद है और एक है लेटर विज्ञानवाद। अर्ली विज्ञानवाद है असंग और वसुबंधु का जी, जो आगे बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। असंग और वसुबंधु का जो विज्ञान है वो निराकारवादी हैं वो दोनों लोग जी, ये नई बात है। और इसके इसके लिए प्रमाण क्या है, एक मैंने अभी अभी आर्टिकल पढ़ा है, जिंग जिंग ली एक चाइनीज स्कॉलर है बहुत अच्छे, उन्होंने लिखा बुद्धिस्ट फिनोमिनोलॉजी पर, लगभग 18-20 पेज का आर्टिकल है वो, आपको यदि चाहिए किसी को पढ़ना हो तो मैं भेज सकता हूँ। इतना सुंदर आर्टिकल है वो, इतना वेल रिसर्च्ड आर्टिकल है, उसमें ये बताया कि असंग और वसुबंधु का जो विज्ञानवाद है वो निराकारवादी है और दिंगनाग और धर्म कीर्ति का जो विज्ञानवाद है वो साकारवाद है। दिंगनाग और धर्म कीर्ति, तो जो हम जब भी विज्ञानवाद की बात करते हैं तो दिंगनाग और धर्म कीर्ति को लेके चलते हैं, असंग और वसुबंधु की बात ही नहीं करते। नहीं सर, इसीलिए ना उनको स्वस्थ। अच्छा सर, आप पहले। हाँ हाँ सर, मैं कह रहा था ना कि वो स्वतंत्र विज्ञानवाद कहते भी इसलिए है। हाँ, स्वतंत्र विज्ञानवाद दिंगनाग धर्म कीर्ति का संप्रदाय अलग हो ही जाता है विज्ञानवाद में। हाँ 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 है, लेकिन उसमें जो फिनोमिनोलॉजी उसने डिस्कस की है ना बहुत ही सुंदर ढंग से की है, और किस तरीके से वो हुसैल की फिनोमिनोलॉजी के बिल्कुल समकक्ष बैठा दी उसको। हुसैल की फिलॉसफी पढ़कर, हुसैल का बहुत अच्छा इसने स्टडी की है और फिर उसको विज्ञानवाद फिनोमिनोलॉजी की जो किस तरीके से हम ब्रैकेटिंग करते हैं अपने इंटरनल जो हमारी कॉन्शियसनेस में जो कुछ आइडिया जाते हैं उसको किस तरीके से ब्रैकेट करके हम रिड्यूस करते हैं टू द एसेंस ऑफ द आइडिया। और उसमें एक तो सबसे बड़ा जो है ना सर अंतर या जो हम लोगों को सिखाया गया है कि जो विज्ञानवाद वसुबंधु का है या उससे पहले जो बाह्यानुवेयवाद है उसमें ये मानते हैं ना कि बाह्यानुवेयवाद की मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ कि बाह्य वस्तुओं से ज्ञान में आकार आता है, ये सामान्य सिद्धांत है कि हमारे ज्ञान में आकार पैदा होता है बाह्य वस्तुओं से। दिग्नाग वो तो है ही, ठीक उलट देते दिग्नाग कहते हैं कि नहीं, हमारे हमारा ज्ञान जो है वस्तुओं को आकार प्रदान। हाँ, वो केवल देखो ना जो सर्वास्तिवाद है और स्वतंत्रांतिक में भेद तो केवल यही है ना कि वो अनुमेयवादी है और वो प्रत्यक्षवादी है, यानी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है वो मानते हैं सर्वास्तिवादी। हाँ नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ। वो सर्वास्तिवादी जो उसमें बाह्यानुमेयवादी विशेष रूप से ये कहते हैं ना कि बाह्य वस्तुओं से हमारे विज्ञान में आकार पैदा होता है। हाँ। विज्ञान का अपना आकार नहीं होता है। हाँ, हाँ। लेकिन ठीक दिंगनाग इसके उल्टा कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा विज्ञान बाह्य वस्तुओं को आकार देता है। ठीक उल्टी बात है। हाँ, जो बाह्य वस्तु है वो है ही नहीं। हाँ, वो हमारा विज्ञान ही है। अब इसी पे अलीख अलीख वाली बात यहीं पर आएगी ना कि ये जो अलीख के ऊपर आरोपित है, ये मेरा जो विज्ञान है उसमें जो भी वासना के कारण जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वहां पर
वो वहां अलीख पर आरोपित हो रहा है, अलीख माने अत्यंत असत पे आरोपित हो रहा है। और इसी बात पर ये भामती का आर उसको कहेंगे कि असत का फिर प्रकाशन कैसे होगा, यहीं पर आगे आएगी बात, अगले कक्षा में आएगी वो बात, उसको तभी देखेंगे। खैर अब यहां पर आगे चलिए आप कि अब ये कहते एक एक वैसे ही उन्होंने शंका उठा दी कि भाई आप यदि स्मृति रूप नहीं कहते और केवल परत्र पूर्व दृष्टाभासे इतना मात्र कह देते तो क्या प्रॉब्लम होती। स्यादेतत से स्यादेत शंका उठा रहे हैं, ये इतना ही लक्षण कर देते आप, स्मृति रूप की क्या जरूरत है, परत्र पूर्व दृष्टाभासे। तो सिद्धांत इसको कहता है कि भाई यदि हम इतना ही कह देते तो वो लक्षण नहीं रहता, फिर वो अलक्षण हो जाता। परत्र पूर्व दृष्टाभास इत्यलक्षणम, क्यों? अतिव्यापकत्व। ये जल्दी से मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत आसान है ये। अस्ति ही स्वस्ति मत्याम गवि पूर्व दृष्टस्य गोत्वस्य परत्र कालाक्षाम अवभाग। स्वस्तिमति गाय का नाम है, स्वस्तिमति गाय में मैंने गोत्व का दर्शन किया, वो पूर्व दृष्ट हो गया, कालाक्षी गाय में उसका मुझे को ज्ञान हुआ, लेकिन ये अध्यास तो नहीं है कि स्वस्तिमती में गोत्व जो दिखाई दिया कालाक्षी में भी गोत्व मैंने देखा। पहला स्वस्तिमती का गोत्व जो मैंने देखा था वो पूर्व दृष्ट हो गया, पूर्व दृष्ट का मैंने कालाक्षी माने परत्र कालाक्षी में उसका ज्ञान कर लिया, तो ये अध्यास नहीं है। और यदि स्मृति रूपा नहीं कहते तो इसमें ये लक्षण चला जाता, अतिव्याप्ति हो जाती। और दूसरा इसका उदाहरण दे रहे हैं, अस्ति च पाटलिपुत्रे पूर्व दृष्टस्य देवदत्तस्य परत्र माहिष्मत्याम अवभास समीचीन। ये भी समीचीन ज्ञान है, इसमें भी लक्षण चला जाता यदि स्मृति रूप नहीं कहते तो। अस्ति च पाटलिपुत्रे पूर्व दृष्टस्य देवदत्तस्य परत्र माहिष्मत्याम अवभास समीचीन। और फिर आगे समझा दे रहे हैं, अवभास पद जो मैंने अर्थ किया है वो ही नहीं है, अवभास पद तो समीचीन ज्ञान में भी प्रसिद्ध है। अवभास पदम च समीचीने भी प्रत्यय प्रसिद्धम यथा नीलस्य अवभास पीतस्य अवभास इत्याह स्मृति रूप इति। इसलिए वहां पर उतने से लक्षण नहीं बनता, इसलिए स्मृति रूप कह दिया गया है। और स्मृति रूप का भी ये बता रहे हैं, स्मृति रूपम ये रूपमस्य इति स्मृति रूप इत्यादि समझी समझ लिया है, लेकिन कहा क्यों है, इसलिए असन्निहित विषयत्व च स्मृति रूपत्व सन्निहित विषय च प्रतिविज्ञानम समीचीनम इति नाति व्याप्ति। कि स्मृति रूप कहने से जो असन्निहित विषयता, कि जिसकी हमें स्मृति हो रही है वो सन्निहित विषय नहीं है, यानी वो हमारे पास समीप नहीं है वो विषय। और प्रतिविज्ञान में सन्निहित विषयता होती है, इसलिए स्मृति का विषय होते हुए प्रत्यक्ष का भी वो विषय है सन्निहित विषय होने के कारण, इसलिए प्रतिविज्ञान इत्यादि के अंदर वो लक्षण नहीं जाएगा। नाप्यव्याप्ति स्मृति रूपमेव रूपम अस्येति स्मृति रूप असन्निहित विषयत्व च स्मृति रूपत्वम और सन्निहित विषयम च प्रतिविज्ञानम समीचीनम इति नाति व्याप्ति। उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि वो समीचीन ज्ञान है। बस स्मृति रूप कहने से जो असन्निहित विषयता के कारण प्रतिविज्ञान के अंदर अतिव्याप्ति नहीं हुई क्योंकि वो सन्निहित विषय है। और यहाँ पर जो दो दो उदाहरण दिए थे वो इसी के लिए हैं, स्वस्तिमत्याम कभी पूर्व दृष्टस्य गोत्वस्य इत्यादि के प्रतिविज्ञान के लक्षण है। स्मृति रूप कहने से असन्निहित विषयता आ जाएगी और जो प्रतिविज्ञा में जो अतिव्याप्ति हुई थी उसका वारण हो जाएगा। अव्याप्ति अव्याप्ति भी नहीं है। अव्याप्ति के लिए स्वप्न का दृष्टांत दे रहे हैं, स्वप्न को ये स्मृति विभ्रम मान रहे हैं। स्वप्न ज्ञानस्यापि स्मृति विभ्रम रूपस्यैवम रूपत्वात्। स्वप्न ज्ञान स्मृति विभ्रम का मतलब स्मृतौ विभ्रम ऐसा समास किया है वेदांत कल्पतरु में, स्मृतौ विभ्रम स्मृति विभ्रम।
अब उसको समझा कैसे रहेंगे कि जैसे मान लो मैं अब नींद में सोया हुआ हूं, अपने माता पिता को नींद में देख रहा हूं स्वप्न में है, और वो मेरे माता पिता मुझे बिल्कुल समीप दिखाई दे रहे हैं। तत्रापि स्मर्यमाणे पित्रादौ निद्रोपप्लव वशात् असन्निधाना परामर्शे तत्र तत्र पूर्व दृष्टस्यैव सन्निहित देश कालत्वस्य समारूपः। तो पिता माता पिता को मैं देख रहा हूं लेकिन वो मेरे पास नहीं है, वो अनुभव तो हो रहा है कि मेरे पास है वो, लेकिन जो स्मर्यमाण माता पिता है वो स्मर्यमाण माता पिता, तो ये कहा ना कि वो असन्निहित विषय होते हैं, उनका जो विषय है वो सन्निहित नहीं होता, उसको समझा रहे हैं। निद्रोप बल निद्रोप प्लव वशात, निद्रा दोष के कारण उनका जो असन्निधान है उसका मुझे अपरामर्श माने ज्ञान नहीं होता। निद्रा रूपी दोष के कारण मेरे माता पिता मेरे पास नहीं है इसका ज्ञान नहीं होता, मेरे माता पिता असन्निहित हैं इसका ज्ञान नहीं होता। और पूर्व दृष्ट जो था माता पिता को जब मैंने पहले देखा तो वो मैंने सन्निहित देखा, और वर्तमान काल में देखा जब जब देखा होगा तो जिस समय, तो उस समय का सन्निहितत्व और देश काल इत्यादि का उसमें समारोप हो रहा है। किसमें समारोप हो रहा है? नींद में जो माता पिता आ रहे हैं उसमें सन्निहित देश कालत्व का आरोप हो रहा है। वो सन्निहित देश कालत्व पूर्व दृष्ट है, पूर्व दृष्ट सन्निहित देश कालत्व का स्वप्न में स्मरियमाण माता पिता पर, माता पिता में वो आरोपित हो रहे हैं, इसलिए वो मुझे माता पिताजी जो पास में दिखाई दे रहे हैं भ्रम है। तो इसलिए यहां पर स्वप्न ज्ञान में भी वो लक्षण घट जाएगा, क्योंकि स्मरियमाण पित्री पिता इत्यादि परत्र हैं, परत्र तो ये हो गए ना, परत्र कौन है? स्मरियमाण पिता इत्यादि। और आरोपणीय क्या चीज वस्तु है? सन्निहित देश कालत्व आरोपणीय है, और ये सन्निहित देश कालत्व पूर्व दृष्ट है, तो ये हो गया ना स्मृति रूप भी हो गया, इसमें परत्र स्मरियमाण माता पिता हो गए और पूर्व दृष्ट सन्निहित देश कालत्व इसका आरोप हो रहा है, तो उसमें अध्यास का लक्षण घट जाएगा। तो ये अतिव्याप्ति दोष का भी वारण इन्होंने कर दिया। एवं एक इसमें थोड़ी सी शंका ये है, स्वप्न जो है वो तो उसमें तो कई बार बिल्कुल अस्मृत वस्तुएं भी दिखलाई देती हैं, है जी, जो कई बार ऐसी चीजें भी दिखलाई देती हैं जो कभी भी नहीं देखी गई, बिल्कुल काल्पनिक दृश्य दिखलाई देते हैं। हाँ हाँ, वो तो ऐसी भी चीजें दिखाई देती हैं जो बिल्कुल सत्य भी होती हैं। वो तो जो लाल साड़ी वाली औरत का उपनिषदों में आता है ना वर्णन, तो बिल्कुल सत्य की बात वो भी है बातें, लेकिन जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इन्होंने इसलिए दिया ना एग्जाम्पल कि भाई स्वप्न में जो पहले जो स्मृत है पिता इत्यादि उनका दर्शन होता है। हाँ, स्मृति और कैसा होता है कि जैसे मेरे पास ही है वो, जी जी जी, और वर्तमान काल में है वो। हाँ, तो बहुत बार ऐसे भी दर्शन होते हैं ना ऐसे लोगों के जो पहले कभी भी देखे नहीं गए, जिनकी कोई स्मृति का सवाल ही नहीं उठता। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारी चीजें, अब राजा जनक के बारे में कहते हैं कि उनको दिखा के भाई वो कहाँ तेल में नहाए हुए हैं और घूम रहे हैं इधर से उधर और यहाँ से वहाँ। अच्छा, जो तेल में नहाए हुए हैं तो पहले तेल में नहाने वाली बात उनको पता है या नहीं है? पता तो है, लेकिन उसमें तो पता है, तो वो तो ये तो कहा ना कि जो आरोपणी है उसका प्रतीति मात्र चाहिए बस। वास्तव में घटी हुई बात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो मैंने सर्प देखा था पिक्चर में देखा है उसमें देखा, वो सत्य है भी नहीं, जी जी, मात्र प्रतीति चाहिए ना उसकी।
लेकिन तेल में नहाने वाली बात की तो प्रतीति हो ही सकती है, भली ना देखी हो कभी उन्होंने, इसलिए तो वो कह के चल रहे ना कि प्रतीति मात्रम उपयुज्यते, वो प्रतीति मात्र हो सकती है। स्वप्न में अलग अलग स्थलों पर ना देखी गई चीजों को या अलग आइडियाज को ना मिला देते हैं। हाँ, वो फिर एक कमी नहीं, वो गड़बड़ मानमा भी हो जाता है कि ऐसा तो हो जाता है, लेकिन उसको प्रूफ किया जा सकता है कोई भी। आप यदि ऐसा विचित्र सा, अब आप देखो कि मैं ऐसे आदमी को देखा स्वप्न में जिसके सींग थे, अब ये कभी नहीं देखा मैंने, लेकिन मैं आदमी और सींग दोनों को जोड़ सकता हूं उसमें, वो कंबाइन करके उसकी प्रतीति तो हो ही सकती है। तो इसलिए अध्यास में प्रतीति मात्र की बात इन्होंने की है, पर आप जैसी बात को लेके तो अरबिंदो ने शंकराचार्य जी की कॉस्मिक इल्यूजन का खंडन किया है। खैर जी, ये आगे जो चीज आ रही है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा ध्यान देने वाला भी है। एवं पीतः शंख तिक्तो गुड इत्यत्रापि एतद् लक्षणं योजनीयम्। पीतः शंख तिक्तो गुड इत्यत्रापि एतद् लक्षणं योजनीयम्। अब ये कैसे जो इसमें लक्षण घटेगा वो घटा रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। तथा ही टू एक्सप्लेन ये हो रहा है, बहिर्विनिर्गच्छत् अत्यच्छ नयन रश्मि संप्रिक्त पित्त द्रव्य वर्तिनीं पीतताम पित्त द्रव्य रहिताम अनुभवन शंखम च दोषाच्छादित शुक्लिमानम अनुभवन सामानाधिकरण्यम पीतत्व शंखयोर आरोप्य आह पीत शंख इति। जिसको शंख पीला दिखाई देता है ना, उस वो भ्रम है, उसमें अध्यास का लक्षण कैसे घटेगा वो समझा रहे। हमारी जो है ना बहिर्विनिर्गच्छत बाहर निकलने वाली नयन रश्मि चक्षु किरण, और उसमें जो किरणें जा रही हैं नेत्र से, उसमें लगा हुआ है संप्रिक्त पित्त द्रव्य वर्तिनीम पीतताम। जो पित्त द्रव्य उसमें संप्रिक्त है, जैसे पीलिया इत्यादि हो जाता है ना उसमें, यहाँ तो पित्त इन्होंने कहा है बिलीरुबिन ज्यादा हो जाते हैं जब, तो पीला पीला दिखाई देता है, तो इसको इन्होंने पित्त कह दिया। यहाँ पर पित्त द्रव्य में रहने वाली पीतता, पित्त द्रव्य, और वो पित्त द्रव्य संप्रिक्त कहाँ है, जो मेरे नैनों से किरणें निकल रही हैं उसमें वो पित्त द्रव्य संप्रिक्त है। बहिर्निर्गच्छत अत्यच्छ नयन रश्मि संप्रिक्त पित्त द्रव्य वर्तिनीं पीतताम। उस पीतता माने उस पीलेपन का, पीलेपन को वो अनुभव कर रहा है, लेकिन वो पीलेपन को कैसे, ये मेरे पास जो रीडिंग है वो ये ऐसी है, पित्त द्रव्य रहिताम, पीतता का अनुभव कर रहा है लेकिन पित्त द्रव्य से रहित है वो, यानी कि द्रव्य का अनुभव नहीं हो रहा उसे, पित्त का अनुभव नहीं हो रहा है, पित्त द्रव्य से रहित केवल पीतता का अनुभव हो रहा है उन रश्मियों में जो नयन रश्मि है। और शंख का कैसे, दोष के कारण दोषाच्छादित शुक्लिमानम शंखम अनुभवन, दोष के कारण ऐसे शंख का मुझे अनुभव हो रहा है जिसका जिसका जो जिसकी श्वेतिमा है वो आच्छादित हो गई है, यानी शंख द्रव्य मात्र का अनुभव हो रहा है, उसके सफेद रंग का नहीं अनुभव हो रहा है। तो पीततायाश्च शंखा संबंधम अननुभवत, पीतता और शंख में कुछ संबंध नहीं है, ये जरा ध्यान देखना, ध्यान से रख बात सुनना। पीततायाश्च शंखा संबंध अननुभवन, पीतता यानी पीतत्व और शंख में जो असंबंध है, पीतत्व और शंख में जो असंबंध है, फिर देख बोल रहा हूं, पीतत्व और शंख में जो संबंध का अभाव है
उसको अनुभव न करते हुए। पीतत्व और शंख का जो असंबंध है उसको अनुभव न करते हुए असंबंधाग्रहण सारूपेण, असंबंधाग्रह स्वरूपता से पीतम। अच्छा ये असंबंधाग्रहण सारूप्य और बता दूं आपको मैं, ये थोड़ा सा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सोना पीला है ना, स्वर्णम पीता। तो यहां पर पीतत्व और स्वर्ण में संबंध है क्या? पीतत्व और स्वर्ण में संबंध है जी। ये जो संबंध ग्रहण है इसी को वो ये कह रहे हैं कि ये असंबंधा ग्रहण है। ध्यान से देखना, ये जो संबंध ग्रहण है इसके एक्सप्रेशन वो कर रहे हैं असंबंधा ग्रहण, यानी जो वास्तविक एक सत्य स्थल में यहां पर मुझे सोना पीला दिखाई दे रहा है, वह पीतत्व और शंख के अंदर संबंध का ग्रहण हो रहा है और वो उन दोनों के बीच में असंबंध का अग्रहण हो रहा है, एक बात है। इसीलिए कह रहे हैं वो जो वास्तविक स्थल में जो असंबंध अग्रहण है वही यहां पर अध्यास स्थल में भी संबंध का अग्रहण हो रहा है, असंबंध का अग्रहण हो रहा है। तो दोनों में स्वरूपता हो गई। स्वर्ण पीला है यहां पर जो संबंध ग्रहण है ये इसको वो असंबंधा ग्रहण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और जहां पर हमको अध्यास हो रहा है वहां पर भी पीतत्व और शंख में जो असंबंध है उसका अग्रहण की बात कर रहे हैं। तो दोनों में स्वरूपता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जहां पर भी अध्यास हो वहां सारूप्य जरूर होना चाहिए। तो यहां पर सारूप्य को ढूंढ रहे हैं ये कि भाई कौन सा सारूप्य है यहां पर। तो कहते हैं भाई है तपनीय पिंडम में जो पीतम तपनीय पिंडम में जो पीतत्व और तपनीय पिंड वो ये सोने में जो संबंध ग्रहण वो असंबंधा ग्रहण है, और जहां अध्यास हो रहा है वहां पर भी पीतत्व और शंख का जो असंबंध है उसका अग्रहण हो रहा है, इसलिए शंख पीला दिखाई दे रहा है। असंबंधा ग्रहण सारूपेण पीतम तपनीय पिंडम पीतम बिल्व फलम इत्यादौ। अच्छा आरोप क्या कर रहे हैं हम? पूर्व दृष्टम सामानाधिकरण्यम पीतत्व शंखयो शंखयोर आरोप्य आह पीतश। पूर्व दृष्ट क्या है? पूर्व दृष्ट जो सामानाधिकरण्य है वो पीतत्व और स्वर्ण का है। पीतत्व और स्वर्ण का जो सामानाधिकरण्य देखा था उस पूर्व दृष्ट सामानाधिकरण्य का आरोप हो रहा है। पीतत्व और शंख में, पीतत्व और शंख में संबंध कोई नहीं है, परंतु पीतत्व और स्वर्ण का जो सामानाधिकरण्य पूर्व दृष्ट है उस पूर्व दृष्ट सामानाधिकरण्य का यहां पीतत्व और शंख में आरोप हो रहा है। पूर्व दृष्टम सामानाधिकरण्यम पीतत्व शंखयोर आरोप्य आह पीत शंख इति। ये पॉइंट समझ में आया हो तो ठीक है। सर इसमें एक थोड़ी सी जो है ना शंका मुझे हो रही है, जो मुझे लगता है कि पंक्तियों से जो समझ में आ रहा है वो मैं रख रहा हूँ, यदि हाँ। मैं गलत समझ रहा हूँ तो जरूर बताएंगे। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चाहे सद स्थल हो या असद असद स्थल हो, सत स्थल में या असत स्थल में दोनों में असंबंध ही मान रहे हैं, और उसका कह रहे हैं अग्रहण होता है। हाँ हाँ। यानी धर्म और धर्मी के बीच में असंबंध तो दोनों दशाओं में है, यानी वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो स्वर्ण जैसे पीत होता है तो पीतत्व और शंखत्व में वास्तव में तो असंबंध ही है, लेकिन शंख बोलो पीतत्व। हाँ हाँ ठीक है, पीतत्व और शंख में असंबंध ही है, लेकिन वो सत स्थल है तो वहां पर हमारा तब भी अग्रहण होता है,
और जो असत स्थल है जहां पर शंख में जो है शुक्लत शंख में पीतत्व हमारी प्रतीति होती है, उस असत स्थल में भी संबंध का अग्रहण होता है। तो अग्रहण तो दोनों दशाओं में ही होता है, और क्योंकि दोनों जगह असंबंध ही है। मैं सही समझ रहा हूँ, संबंध असंबंध तो दोनों जगह है? असंबंध असंबंध दोनों जगह नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो स्वर्ण पीला है यहाँ तो संबंध तो है ही ना यार, मतलब है कि वो जैसे ग्रहण सारूप पेड़ कह रहा है ना, असंबंध नहीं, वो तो आप जो गलत बोल रहे हो ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि पीतत्व और स्वर्ण के अंदर संबंध तो है ही, उसका जो ग्रहण है उसको वो ऐसे एक नेगेटिवली प्रस्तुत कर रहे, असंबंधक ग्रहण, दो नेगेटिव है ना, दो नेगेटिव पॉजिटिव को बता रहे हैं। वहां पर संबंध है सत्य स्थल में, यहां पर संबंध नहीं है। सत्य स्थल में संबंध ग्रहण को दो नेगेटिव से एक्सप्लेन कर रहे हैं, असंबंधा ग्रहण ही है, वहां असंबंध जो था वो जो संबंध है ही नहीं उनमें, उसका ग्रहण है, ठीक है, असंबंध का ग्रहण है अर्थात संबंध का ग्रहण है, तो दोनों में फर्क है। वहां पर तो संबंध है उसको संबंधा ग्रहण से ये कह रहे हैं, और यहां पर संबंध नहीं है उसको भी असंबंधा ग्रहण से करें, वहां असंबंधा ग्रहण एक वैलिड कॉग्निशन को जन्म दे रहा है, यहां पर संबंधा ग्रहण इनवैलिड कॉग्निशन को जन्म दे रहा है, ये है फर्क। यानी ग्रहण के प्रकार का सारूप्य है। हाँ हाँ, वो ये इधर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कहना है ना, असंबंधा ग्रहण सारूप्यण, और तो सारूप्य तो बताना जरूरी है, और सारूप्य बताने के लिए फिर दो नेगेटिव लेकर के वो उस बात को समझा रहे हैं, जो तो समझने में जरा मुश्किल पड़ती है। पर ये जैसे सत्यमूर्ति कह रहे हैं तो वहां पर सत्य स्थल में संबंध है, वहां संबंध ग्रहण इज इक्वल टू असंबंधा ग्रहण, नो प्रॉब्लम, उनमें जो असंबंध है उसका अग्रहण हो रहा है क्योंकि उन दोनों में संबंध है। और यहां पर पीतत्व और शंख में यहां पर असंबंध है उसका अग्रहण हो रहा है, इसलिए इनवैलिड हो रही है कॉग्निशन, और वहां पर वैलिड है यहां इनवैलिड है, परंतु सारूप्य है संबंधा ग्रहण रूप में। और फिर आरोपित क्या कर रहे हैं, सामानाधिकरण्य का, वो सामानाधिकरण्य वो देखा है स्वर्ण स्वर्ण में और पीतत्व में, केवल सामानाधिकरण्य का आरोप कर रहे हैं, वो पूर्व दृष्ट है, पूर्व दृष्टम सामानाधिकरण्यम पीतत्व शंखयोर आरोप्य आह पीत शंख इति एतेन तिक्तो गुड़ इति प्रत्यय व्याख्यात। अब इसको जरा समझो, तिक्तो गुड़ कैसे होगा भाई, जरा एक्सप्लेन कर दो ना। तिक्त का क्या मतलब होता है, तिक्त मतलब कड़वा, तिक्त माने कड़वा, और कटु माने वो जो छह रस है ना, न्याय तर्क तर्क संग्रह में आते हैं जी। उसमें हमने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है, वहां पर कटु का मतलब है वहां पर पंजेंट, और तिक्त का मतलब है कड़वा। लेकिन यहां पर ये तिक्त कड़वा है कि गुड़ कड़वा है ये महसूस हो रहा है, और ये वाचस्पति मिश्र ने ना इसको इसकी एक्सप्लेनेशन दी है न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में, न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका। तो मुझे लगा है कि इतना सरल भाषा में तात्पर्य टीका लिखी है वार्तिक, इतनी तो हमें पढ़ना चाहिए था ये, लेकिन क्या करें अब तो पढ़ने वाला टाइम है नहीं। अब मैं पढ़ रहा हूं, एवं त्वगिंद्रिय उपनीतम, वो जो जवान त्वगिंद्रिय उपनीतम गुडम, गुड़ कैसा है, अननुभूयमान माधुर्यम, ऐसे गुड़ को अनुभव कर रहा है जिसका माधुर्य जिसमें अनुभूत नहीं हो रहा,
जैसे यहां पर यह बताया कि वो पीतता को कर रहा है और उस पीतता में पित्त द्रव्य रहिताम पीतताम, ऐसे ही अननुभूयमान माधुर्यम गुणम अनुभवन, ऐसे गुण को अनुभव कर रहा है त्वचा से, त्वचा मानी जीभ से, क्योंकि सर्व शरीर वर्ती है ना वो तुम। गुणम अननुभूयमान माधुर्यम अनुभवन, और फिर क्या रसनाग्रवर्तिनश्च पित्तस्य, जो रसना के अग्रभाग में जो जो टेस्ट बड्स होते हैं उनमें पित्त पित्त की जब अधिकता हो जाती है तो उसके तिक्तत्व को अनुभव कर रहा है, पित्त के तिक्तत्व का अनुभव कर रहा है। यहां पर पित्त की पीतता को अनुभव कर रहा था, यहां पर पित्त की तिक्तता को, तिक्तता माने कड़वेपन को अनुभव कर रहा है। और तदाश्रयम च पित्तम अननुभवन, तदाश्रय माने तिक्तत्व यहां पर है पित्त में, उस पित्त का अनुभव नहीं कर रहा है, पित्त रहित तिक्तता का अनुभव कर रहा है, जैसे यहां पर था पित्त रहित पीतता का अनुभव कर रहा था। असंबंधाग्रह सारूप्यात, वही आई बात, असंबंधाग्रह सारूप्यात तिक्त निम्ब सामानाधिकरण्य, तिक्त और नीम यानी जो तिक्तत्व और नीम में जो सामानाधिकरण है वो पूर्व दृष्ट है, तिक्तत्व और निम्ब के सामान पूर्व दृष्ट सामानाधिकरण्य को वो तिक्तत्व और गुड में सामानाधिकरण्य का आरोप कर रहा है, इसलिए कहता है तिक्तो गुड़ा, तिक्तो गुड़ा इति विपर्यस्यति, ये वाचस्पति कह रहे हैं यहां पर न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका, फिर पढ़ रहा हूं मैं। एवं ये जो है इनकी इनकी पुस्तक है राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ संपादक है इसके, चौखंबा संस्कृत संस्थान से, और ये पेज 83 पर है, पेज 83। एवं त्वगिंद्रियोपनीतम गुडम अननुभूयमान माधुर्यम अनुभवन रसनाग्र रसनाग्रवर्तिनश्च पित्तस्य तिक्तत्वम अनुभवन तदाश्रयम च, यहाँ तिक्तम दिया है मैंने खुद अपने आप पढ़ा है पित्तम, तदाश्रयम च पित्तम अननुभवन असंबंधाग्रह सारूप्यात, वहां यहाँ यहाँ पंचमी है वहां अस सारूप्यण तृतीय, तिक्त निम्ब सामानाधिकरण्येन तिक्तो गुण इति विपर्यस्यति, यानी तिक्त यानी पूर्व दृष्टम तिक्त निम्ब सामानाधिकरण्यम तिक्तत्व गुड़यो, तिक्तत्व गुड़यो आरोपयति और कथयति तिक्तो गुड़ इति। ओके, ये हो गया तिक्तो गुड़ की व्याख्या हो गई, एतेन तिक्तो गुड़ इति प्रत्यय व्याख्यात एवं विज्ञात्री। अब ये थोड़ा और कठिन आ गई बात, एवं विज्ञात्री पुरुषाभिमुखेषु आदर्शोदकादिषु स्वच्छेषु चाक्षुषं तेजो लग्नमपि बलीयसा शौर्येण तेजसा प्रतिस्रोतः प्रवर्तितं मुखसंयुक्तं मुखं ग्राह्यत् दोषवशात् तद्देष्टाम् अनभिमुक्तां च मुखस्य अग्राह्यत् पूर्व दृष्टाभिमुख आदर्शोदक देशताम अभिमुख्यम च मुखस्य आरोपयतीति प्रतिबिंब विभ्रमोपि लक्षितो भवति, यानी यहाँ प्रतिबिंब भ्रम विभ्रम भी में भी ये लक्षण घट जाएगा, लक्षितो भवति माने लक्षण इसमें भी घट जाएगा। अब कैसे घटेगा सुनिए, हमारे सामने विज्ञात्री पुरुष माने जो भी एक कॉग्निटिव बीइंग है, कॉग्नाइजर है, उसके सामने आदर्श उदक आदिशु, अब यहां पर हम उदक को तो छोड़ देते हैं, आदर्श को ही ले लेते हैं बस। विज्ञात्री पुरुष पुरुषाभिमुखेशु आदर्शेशु, यानी जो ज्ञाता है उसके सामने दर्पण रखा हुआ है, ज्ञाता के सामने दर्पण रखा हुआ, ये इतने शब्द का इस विज्ञात्री पुरुषाभिमुखेशु आदर्श उदक आदिशु इसका अर्थ ले लिया हमने, हमारे सामने दर्पण है और उसमें वो स्वच्छ है, दर्पण साफ है तभी उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा। और यहां पर ये कह रहे हैं चाक्षुषम तेजो लग्नम अभी, हमारे आंखों से जो किरणें निकली वो उस दर्पण में लगी हुई हैं,
लग्नम क्या है भैया, लग्नम चाक्षुषम तेजः। हम ये कह रहे हैं चक्षु नेत्रों से निकली हुई किरणें वहां पर लग गई, किस पे, दर्पण पे, दर्पण तक पहुंच गई। लेकिन जो दर्पण तक पहुंची है ना किरणें, नेत्रों की किरणें, जरा ध्यान से सुनना, सौर्येण तेजसा प्रतिस्रोतः प्रवर्तितम्। सौर्येण तेजसा मतलब सूर्य के तेज से, सूर्य के तेज से, सूर्य का तेज है बलियस है, नेत्रों की किरणों से तो ज्यादा बलवान है ना सूर्य का तेज, तो वो जो किरणें पड़ी हुई थी ना दर्पण पे, वो उल्टी हमारी आंखों की तरफ, प्रतिस्रोत है माने उल्टी, जो पहले प्रवाह था उससे उलट उलट की उल्टी तरफ विपरीत दिशा में, प्रवर्तितम माने वो विपरीत दिशा में कर दी जाती हैं। जो हमारी नेत्रों से निकली हुई किरणें जो शीश दर्पण में लगी थी वो सूर्य की तेज से उल्टी आंखों की तरफ कर दी जाती हैं, और वो फिर जो प्रवर्तित जो तेज है वो मुख संयुक्त होकर के, मुख पे आया तेज, मुख पर वो लाइट पड़ी, मुखम ग्राह्य, तो उससे मुख का ग्रहण, मुख का वो ग्रहण कराता है तेज, ठीक है। लेकिन दोषवश क्या होता है, मुख तो हमारा हमारी गर्दन पे रखा हुआ है, और दोषवशात तद्देशताम, तद्देशताम का मतलब मुख देशताम, मुख यहां पर है ग्रीवास्थ मुख, मेरा मुख तो ग्रीवा पर है ना, ग्रीवा पर ग्रीवास्थ मुख है मेरा, और वो मेरा मुख तो अभिमुख नहीं अनभिमुख है, तो मेरा जो गर्दन पे मुख है एक तो वो ग्रीवा पर है, दूसरा वो अनभिमुख है। दोषवशात तद्देशताम माने मुख देशताम अनभिमुखताम यानी मुखस्य अनभिमुखताम च मुखस्य अग्राह्यत्, दोष के कारण मुझे ग्रीवास्थता और मुख की अनभिमुखता का ग्रहण नहीं होता, तो फिर किसका होता, पूर्व दृष्ट अभिमुख आदर्श उदक देशताम अभिमुख्यम च। पूर्व दृष्ट माने पहले कभी मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ था तो मैं प्रतिबिंब नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये देख रहा हूं कि मैं वो शीशा है ना मेरे सामने, शीशा मेरे अभिमुख है, ओके। तो शीशे की यानी आदर्श की अभिमुखता, पूर्व दृष्ट अभिमुख आदर्श, पहले जो देखा गया था आदर्श या उदक जो अभिमुख था, पानी भी अभिमुख होगा मेरे और आदर्श भी अभिमुख होगा, और उन दोनों का जहां पर स्थान है उस स्थान को भी मैं देखता हूं, पहले पहले देखा हुआ है, और उनका जो अभिमुख्य है, अभिमुख्य माने उनका सामने होना, वो दोनों मेरे सामने हैं तो उनका अभिमुख्य वो मैं मुख पर आरोपित कर देता हूं, और मुख मुझे जो मैं दर्पण में मुख देख रहा हूं वो अभिमुख मुख हो गया ना, वो मेरा मुख तो जो जहां पर है वो तो अनभिमुख है, लेकिन दर्पण में जो मुख है वो अभिमुख है यानी मेरे सामने है, वो मुझे देख रहा है जैसे मानो, तो मैंने उस पर पूर्व दृष्ट अभिमुखता का और पूर्व दृष्ट उसके देश का आरोप उसमें मुख पे कर दिया, क्योंकि पहले पहले भी मैंने यदि यही मान ले कि मैंने अपना मुख दर्पण में देखा, तो मैंने पहले जो देखा हुआ है दर्पण में उसका दर्पण स्थिति, दर्पण के अंदर उसका होना और उस मुख की अभिमुखता, इस समय मैं उस मुख में आरोपित कर रहा हूं, तो ये प्रतिबिंब विभ्रम हो गया। फिर इसको देख लीजिए, अच्छा आजकल का जो जो प्रोसेस है ना, जो इसमें दिया है कि नेत्रों से जो निकल, नेत्रों से जो किरणें निकल रही हैं जो दर्पण में लग गई हैं वो सूर्य के तेज से वापस जा रही हैं, और सूर्य के तेज से वापस जा करके मुख पर जब पड़ती हैं तो मुख को, मुख का ग्रहण करा लेती हैं, और दोष के कारण जो ग्रीवास्थता है मुख की और अनभिमुखता है उसका ग्रहण नहीं होता। लेकिन पूर्व दृष्ट
जो अभिमुखता है और पूर्व दृष्ट जो उसका स्थान है उसका मैंने यहाँ पर आरोप कर दिया। इसलिए ये दर्पण में जो प्रतिबिंब ब्रह्म है इसकी व्याख्या भी हो जाती है। लेकिन आज के फिजिक्स के हिसाब से तो ये होता है कि जो नेत्र की किरणें नहीं, जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है मुख पर और फिर वो रिफ्लेक्शन मेरा दोबारा ये इधर मेरी आंखों में आता है, रेटिना पे पड़ता है, और रेटिना में जो ब्रेन में पिक्चर फॉर्म होती है वो मुझे दिखाई देती है। आज के हिसाब से ये बात ठीक नहीं है जैसे इन्होंने कही है कि नेत्र की किरणें लग रही हैं दर्पण पे, और वो नेत्र की किरणें जो दर्पण पे लगी हुई हैं सूर्य की तेज इतना बलवान होता है कि वो नेत्रों की किरणों को मुख की तरफ लौटा देता है, और मुख की तरफ जब लौटा देता है तो मुख पे जब वो किरणें पड़ती हैं तो मुख का ग्रहण हो जाता है, परंतु दोष के कारण मुख की जो अनभिमुखता है और मुख का जो स्थान है यानी ग्रीवा पे जो रखा हुआ है मुख, इसका ग्रहण नहीं होता है, और पूर्व दृष्ट दर्पण को मान लो या दर्पण में दिखे हुए मेरे मुख को मान लो, दोनों एक ही बात है। पूर्व दृष्ट तो हो ही सकता है ना वो भी, या मात्र दर्पण की अभिमुखता और दर्पणस्थ मेरा मुख है, दर्पणस्थ यानी दर्पण स्थान है इसका पूर्व दर्शन। अब मैं इस पर आरोपित कर रहा हूं, पूर्व दृष्टाभिमुख आदर्शोदक देशताम अभिमुख्यम च मुखस्य आरोपयति इति प्रतिबिंब विभ्रमोपि लक्षितो भवति एतेन द्विचंद्र दिग्मो अलाथ चक्र गंधर्व नगर वंशोरग आदि विभ्रमेशु यथा संभवम लक्षणम योजनीयम। ये आप घर पर देखना और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। जैसे द्विचंद्र है, द्विचंद्र का मतलब है कि जो पहले द्वित्व देखा हुआ है उसका द्वित्व का आरोप कर दिया, दो चंद्र हो गए। दिंग मोह का ये मतलब है कि पहले मैं किसी प्राची दिशा के सामने खड़ा हुआ उसका जो मैंने प्राची दिशा का जो स्वरूप देखा था वो मैं पश्चिम में भी खड़ा होकर के जब पश्चिम को नहीं पहचान पा रहा हूँ उसमें प्राचीत्व का आरोप कर दिया मैंने। इस तरीके से ऐसे अलाद चक्र इत्यादि में भी आप घटा के देख लेना, और नहीं समझ में आया तो डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते, ए तदुक्तम भवती, अब वही वाली बात आ रही है, प्रकाशमानता न प्रकाशमानता, प्रकाशमानता मात्रम सत्वम, यानी केवल प्रकाशमानता को ही सत्व आप मान ले ऐसी बात ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा मानोगे तो देहेंद्रियादि प्रकाशमानतया सद्भावो भवेत, तो देहेंद्रियादि भी सत हो जाएंगे। न प्रकाशमानता मात्रम सत्वम येन देहेंद्रियादि प्रकाशमानतया सद्भावो भवेत, नहीं आगे इसी को समझा रहे हैं उदाहरण देकर के, नहीं सर्पादि भावेन रज्ज्वादयो वा स्फटिकादयो वा रक्तादि गुण योगिनो न प्रतिभासन्ते प्रतिभासमाना वा भवन्ति तदात्मान तद्धर्माणो वा। ये कहने ये चाह रहे हैं यदि आप प्रकाशमानता मात्र को सत मान लोगे तो रज्जु भी तो सर्पादि के रूप में भासित हो रहा है, रज्जु भी भासित हो रही है ना सर्पादि के रूप में, और स्फटिक इत्यादि जो जपा कुसुम रखा हुआ पास में तो वो रक्तिमा वाला प्रतीत हो रहा है तो ब्रह्म ही वो। तो यदि आपने प्रकाशमानता को सत का लक्षण मान लिया, सत्व का लक्षण मान लिया, तो सर्पादि रूप में रज्जु इत्यादि की प्रतीति प्रकाशमानता, और रक्तादि गुण से युक्त स्फटादि की प्रकाशमानता, ऐसा तो नहीं है कि वो ये है ना दो नए आ रहे हैं, ये है ना ये कि सर्पादि भावेन रज्ज्वादय स्फटिकादय व रक्तादि गुण योगिनो न प्रतिभासन्ते इति न जो प्रारंभ में आ रहा, नहीं वो प्रतिभासित होते हैं ऐसी बात नहीं, प्रतिभासित तो वो होते ही हैं, लेकिन प्रतिभासमाना जब प्रतिभासित वो हो रहे हैं तो ये तदात्माना माने रज्जु सर्पात्मक थोड़ी हो जाएगी। यदि रज्जु सर्प के रूप में प्रतीत हो रही है तो प्रतिभासित होने से
प्रकाशमान होने से वो तदात्मान है माने सर्पात्मना, सर्पात्मक थोड़ी हो जाएगी रस्सी। तद धर्माण का मतलब है कि वो स्फटिक लाल रंग वाला हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। और यदि आपने ऐसी बात ऐसी वाली ऐसा मान लिया तो आगे उदाहरण दे रहे हैं वो, तथा सती मरुषु मरिचिचयम उच्चावचम उच्चल तुरंग तंग भंग मालेयम अभ्यरणम अवतीर्णा मंदाकिनी इत्यभिसंधाय प्रवृत्त तत्वयम आपीया आपीयापी पिपासां उपशमे। तो फिर क्या होगा, मरुस्थल में जो सूर्य की किरणों का समूह है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। उच्चावचम का मतलब है ऊंचा नीचा भी अर्थ कर सकते हैं, और किसी टीका में अत्यधिक भी अर्थ किया इसका। अत्यधिक उछलती हुई जो तरंग है और उन तरंगों का जो भंग है टूटना है, और उन तरंगों से जो माला बनी हुई है जिसकी, ऐसी मंदाकिनी अभ्यरणम माने पास में ही अवतीर्ण हो गई है, ऐसा लगेगा आपको। मरुस्थल के अंदर गंगा उतर आई है ऐसा प्रतीत होगा। वो जो गंगा भासित हो रही है, गंगा जो प्रकाशित हो रही है, गंगा जो दिखाई दे रही है, वो भी फिर सही हो जाएगी। तो फिर इसमें इत्यभि संधाय उसको मंदाकिनी को वैसा समझ करके प्रवृत्त माने उसमें प्रवृत्त होकर के उसका पानी पी करके अपनी पिपासा को भी शांत कर ले। यदि सत्य मानोगे तो, सत्य मानोगे तो मरुस्थल में उतरी हुई गंगा भी सत्य होनी चाहिए, और हमको यदि पास लग रही है तो उसका पानी पी करके हमारी पिपासा शांत होनी चाहिए। ये उसका उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल है कि प्रकाश मानता को मात्र सत्य मान लोगे तो ये हो जाएगा। अर्थात तस्मात अकामेनापि आरोपितस्य प्रकाशमानस्य न वस्तु सत्वम अभ्युपगमनीयम्। तस्मात इसलिए अनिच्छा से भी आरोपित प्रकाशमान को सत मत मानो। तस्मात अकामेनापि आरोपितस्य प्रकाशमानस्यापि न वस्तु सत्वम अभ्युपगमनीयम्, उसको वस्तु सत्व मत मानो। यहाँ पर इसको करते हैं पूरा, और फिर आगे नई बात आ रही है वो बाद में देखेंगे। अकामेन अपि का क्या अर्थ है? अकामेन अपि, अकामेन अपि का मतलब है अनिच्छा से भी, मैं ये अर्थ कर रहा हूं उसका, न चाहते हुए भी। अनिच्छन अपि यानी इच्छा, इच्छा से, इच्छा की तो बात ही छोड़ दो, अनिच्छा से भी मत करो। इच्छा करना तो बहुत बड़ी बात है ना, यानी बिल्कुल मत करो, ये मतलब कहने का उनका है। मतलब बिल्कुल सोचो ही मत इस बारे में। तो न वस्तु सत्वम अभ्युपगमनीयम्। आगे एक नया, अच्छा आगे जो पोर्शन आ रहा है ना वो वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट पंक्तीज ऑफ भामती, और उस पे उसके ऊपर उस पंक्ति को लिखने के लिए ये जो अद्वैत थियरी ऑफ इल्यूजन है एक सुखरंजन साहा की, उसमें किताब का बहुत बड़ा पोर्शन उस लाइन को एक्सप्लेन करने में लगाया भाई ने। इतनी कठिन पंक्ति आ रही है आगे। क्या नाम है पुस्तक का? अद्वैत थियरी ऑफ इल्यूजन, सुखरंजन साहा। और एक पिछली बार मैंने एक पुस्तक बताई थी ना आपको, मेटाफिजिक ऑफ एक्सपीरियंस इन अद्वैत वेदांत, वो है उसकी देवव्रत सिन्हा। देव ये व तो बोलते नहीं ना बंगाली, देव देवव्रत दोनों देवव्रत सिन्हा, मेटाफिजिक ऑफ एक्सपीरियंस इन अद्वैत वेदांत। ठीक है जी, और कोई बात करूं मैं? सर सर सत्यमूर्ति जी बोलिए। विमली सर आप बोल, हाँ सर वो मुझे समझ में आ गया, वो जो आप कह रहे थे ना जो मैं फंस रहा था बार बार, उसमें असंबंधा ग्रहणात जो है ना उसकी दो व्याख्या होगी,
और ये जो समस्त पद है ना असंबंधा ग्रहणा, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी उसकी दो तरह से जो है ना व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी उस समस्त पद की, और अलग अलग पक्षों में अलग अलग व्युत्पत्ति चलेगी, लेकिन जो है वो सारूप तो उस रूप में मान ही लिया जाएगा ना, इसलिए समस्या नहीं है वो बहुत कहना चाहिए ना कि भाषिक चतुराई दिखाई है, केसेस को अपने अंदर समाहित कर लिया, वो हर्मेन्यूटिकल क्लेवरनेस। हाँ 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 तो ये चतुराई तो है ही है कि सारूप पे बताना है, और जो सत्य स्थल में तो संबंध ग्रहण को असंबंधा ग्रहण कह दिया उन्होंने, और ठीक है दो नेगेटिव एक पॉजिटिव को तो बता देते हैं, संबंध ग्रहण असंबंधा ग्रहण एक बात, जो असंबंध है उनमें उसका ग्रहण हो रहा है, जो सत्य स्थल है ना उसमें जैसे उसमें संबंध का ग्रहण हो रहा है, असंबंध जो है उनमें उसका ग्रहण हो रहा है, अर्थात संबंध का ग्रहण हो रहा है ये, और जो ब्रह्मस्थल है ब्रह्मस्थल के अंदर ये बता रहे हैं कि जो उन दोनों में जो संबंध नहीं है उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए आरोप किया जा रहा है समानाधिकरण का पीतत्व और शंख का, शंख में कुल मिला के समझ आ रहा है ना वो बात। नहीं नहीं बिल्कुल समझ गया, उसमें जो सत स्थल है ना उसमें पहला नए जो है वो दूसरे नए से जाके लग जा रहा है, ठीक है सत स्थल में वहां लग जा रहा है, और असत स्थल में वो अपनी जगह पे ही जो है वो संबंध से ही जो है लग रहा है, यानी वहां पर पर्युदास हो रहा है, सीधे सीधे उस संबंध से ही जुड़ रहा है, ना कि वो अग्रहण से जुड़ रहा है। हाँ जी हाँ, तो इसलिए अर्थ अलग अलग आ रहा है, लेकिन वो लिंग्विस्टिक क्लेवरनेस है वो। हाँ लिंग्विस्टिक हर्मेन्यूटिकल क्लेवरनेस का। हाँ और ओमनाथ ठीक है। हाँ जी सर, मैं ये मेरी ये जिज्ञासा थी कि वेदांत में अक्सर ये कहा जाता है ना कि तीन तरह की वस्तुएं हैं, जो सत है परमार्थ सत है उसका लक्षण है प्रकाशमानता, और जो इंद्रिय और मन आदि हैं उनका लक्षण है प्रकाशमानता प्लस प्रकाश्यमानता, और जो घटपट आदि वस्तुएं हैं उनका लक्षण है प्रकाश्यमानता। इसीलिए सामान्य रूप से ये कहा जाता है ना जिसमें केवल दृक्ता है, जिसमें केवल प्रकाशमानता है वही सत्व का लक्षण है, तो उस तरह का अगर सत्व का लक्षण कर देते हैं तो ना कहीं भी अतिव्याप्ति उस तरह की देह इंद्रियां आदि में होती नहीं है ना। नहीं वो तो एक आगे चल करके बात तो ये एक प्रकाशमानता के साथ साथ वहां स्वयं प्रकाशता को ले रहे हैं वो जो आत्मा के लिए है। हाँ। उस बात को पकड़ करके चल रहे हैं आगे, वो आगे आएगी बात। और अच्छा। जो वैसे जो प्रकाशमानता के साथ साथ ये भी है ना कि जो प्रकाशमान भी हो और साथ में कभी बाधित भी ना हो। जी ये देह इंद्रिय इत्यादि तो बाधित हो जाएंगे ना। जी क्योंकि जब हम ये कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म में जो एक प्रकार से हमने सामानाधिकरण रखा है इसमें नेगेट करते हुए वर्ल्ड को, तो यहाँ पर इसको सामानाधिकरण कहते हैं, लेकिन ये बाद सामानाधिकरण है। हाँ जी बाद दो प्रकार के सामानाधिकरण होते हैं। जी तो बाद मतलब बाधित होने पर भी ये उसके समकक्ष जाएगा संसार। जी। और फिर वो जैसे प्रभाकर का जो है कि यदि हम प्रपंच अभाव को ही ब्रह्म कहते हैं तो अभाव भी अधिकरण स्वरूप ही होता है। जी अभाव प्रपंच अभाव ही ब्रह्म है, तो प्रपंच अभाव वहां अधिकरण ब्रह्म ही बे प्रपंच अभाव को ब्रह्म को कह रहे हैं प्रपंच अभाव अधिकरण स्वरूपता के रूप में। जी इसी से रिलेटेड सर ये बात थी, ये जो बात आई थी ना आरोप विषय और आरोपणीय की बात, कि अक्सर ये वेदांत में कहा जाता है कि जो अज्ञान का आश्रय होता है वही अज्ञान का विषय भी होता है ना, दो बात है ना उसमें, अज्ञान का विषय जैसे अज्ञान का विषय और अज्ञान का आश्रय। हाँ जी वहाँ अक्सर चर्चा की जाती है जैसे ब्रह्म जो है अज्ञान का आश्रय भी है और विषय भी है विवरणकार के मत में। हाँ जी लेकिन भामतिकार के मत में
ये आश्रय ब्रह्म नहीं है अज्ञान का। हाँ नहीं है, वो विषय है और अज्ञान का आश्रय जीव है। हाँ जी जी, वो दो चर्चाएं चलती हैं उसमें। हाँ, ये दो बातें आती हैं और इस पर ये जो तो जिसके ज्ञान से ब्रह्म सिद्धि जो मंडन मिश्र की है वो उसके उसलिए एग्जाम्पल भी दिए। जैसे उदाहरण मैं दे दूंगा एक छोटा सा कि जो घट है ना आकाश में, घटावच्छिन्न आकाश में ही तो घट है ना, वैसे ही अंतकरण अवच्छिन्न ही वो अविद्यावच्छिन्न चेतन प्रदेश में ही वो आत्मा है, क्या दिक्कत है? घटावच्छिन्न देश में घट है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, हैं? और वैसे ही अविद्यावच्छिन्न चैतन्य में विद्या है, अविद्या है। हाँ। जी जी जी, वो घट और अविद्या को, हेलो, हाँ घट और अविद्या को मान लो ना, घटावच्छिन्न आकाश में घट है, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य में अविद्या, ऐसी ऐसा वो मंडन मिश्र ने ये उदाहरण दिया है ब्रह्म सिद्धि में। जी, तो वो ये चलते तो उन्हीं के हिसाब से। बात और थी। जी जी जी, इसमें सर ये जो एवं पीतः शंखः स्तिक्तो गुड़ वाली जो पंक्ति है ना सर, इसमें ये जो रीडिंग है कि बहिर्विनिर्गच्छत् अच्छत रश्मि संप्रक्त पित्त द्रव्य वर्तिनीं पीतताम पित्त द्रव्य रहिताम अनुभवन है ना। हाँ, ये सर अगर इसकी ऐसी रीडिंग हो तो पित्त द्रव्य रहिते अनुभवन, पित्त द्रव्य रहिते शंखादौ स्थले, पित्त द्रव्य जो जो पित्त द्रव्य रहित नाम का ये मतलब है कि द्रव्य का वहां पर ग्रहण नहीं हो रहा है ना, बस इतना कहना चाहते हैं, वो पित्तता का ग्रहण हो रहा है और द्रव्य का ग्रहण नहीं हो रहा है। जी, विदाउट द्रव्य से बिना संबंध हुए। हाँ, हाँ, उस द्रव्य से बिना संबंध के उसका ग्रहण। हाँ, उस सेंस में ही, तो उसमें सप्तमी की जरूरत नहीं है। जी जी जी, बाकी ये देख लो, मैंने आपको न्यायवार्तिक का ये बता भी दिया ना, तात्पर्य टीका का वो रेफरेंस, उसमें उन्होंने तिक्तो गुड़ा का दिया हुआ है और वो क्लियर है। वो जी जी, जैसे पीता शंखा है था, वैसे ही तिक्तो गुड़ा, और सामानाधिकरण नीम और तिक्तता में आ जाएगा, पहले देखा हुआ है, वो इस समय तिक्तत्व और गुड़ में उस सामानाधिकरण का आरोप कर देंगे, कह देंगे तिक्तो गुड़ा हो गया काम। ठीक है।